See, in this lecture, I'll first try to cover the topic which I was not able to cover in the last lecture. So, last lecture mein I was discussing about the various theories of religion, right? So, wahan pe humne ek important theory we were not able to cover, that is the phenomenology of religion, right? ठीक है. Now, this is a unique topic, right? Which is not mentioned in the syllabus, right? But theories of religion are mentioned, right? So it comes under the umbrella or perspective of theories of religion. Now, this question might be asked in the form of 10 markers, and it might be an unconventional question, right? So people won't be able to answer it, right? These kind of questions are coming up in the examinations nowadays, right? ठीक है. तो पीटर बर्जर टॉक्स अबाउट फिनोमिनोलॉजी ऑफ रिलीजन, वेयर इन ही विल बी टॉकिंग अबाउट नोमोस एंड कॉस्मोस, प्लॉजिबल स्ट्रक्चर ऑफ रिलीजन एंड सेक्रेड कैनपी, राइट? दीज आर थ्री की वर्ड्स, दे कुड देमसेल्फ बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ 10 मार्कर्स, राइट? तो आपने लिखना वही है, राइट? आई विल ट्राई टू फर्स्ट डील विद दिस रिमेनिंग टॉपिक, राइट? सेकेंडली, मेन दिस टॉप दिस लेक्चर इज मेनली रिलेटेड टू सेक्युलराइजेशन, राइट? सेक्युलराइजेशन इज इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज मैंशनड इन द सिलेबस, राइट? सो दिस लेक्चर बेसिकली पर्टेन्स टू सेक्युलराइजेशन. सो आई विल बी कवरिंग सेक्युलराइजेशन. फर्स्टली आई विल कवर फिनोमिनोलॉजी, देन आई विल जंप टू सेक्युलराइजेशन, राइट? सो सेक्युलराइजेशन में फिर फर्दर हम इसको तीन सब कंपोनेंट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे. फर्स्ट इज द कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ सेक्युलराइजेशन, द डेफिनेशन व्हाट इज सेक्युलराइजेशन, ठीक है? देन विल बी लुकिंग इन टू द कॉजेज ऑफ सेक्युलराइजेशन और फैक्टर्स और प्रोसेसेस दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू इंक्रीजिंग सेक्युलराइजेशन, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन और सोसाइटल चेंज दैट इज हैपनिंग इन सोसाइटीज वेर इन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजन इज डिक्रीजिंग, राइट? ऐसी हम काउंटर एविडेंसेस पढ़ेंगे, राइट? काउंटर आर्ग्यूमेंट्स पढ़ेंगे विच क्रिटिसाइज दिस perspectives or theories of secularization. Now this counter evidence is, right, thematically it would be wrong to cover it in this lecture, right? Because in next lecture I'll be talking about religious revivalism and religious fundamentalism, right? So wahan pe ye fit zyada baithega, right? However, if a question comes pertaining to secularization, you have to cover all these three aspects, right? To hum jab causes aur secularization ki thesis ki baat karte hain to two main scholars, right? One is Brian Wilson एंड सेकेंड इज पीटर बर्जर, राइट? तो पीटर बर्जर तो हम ऑलरेडी पहले देखेंगे, राइट? तो ब्रायन विल्सन विल बी टॉकिंग अबाउट टू कंसेप्ट्स, दैट इज डीसेक्रिलाइजेशन ऑफ सोसाइटी एंड द डिस इंगेजमेंट और रिट्रीट और विड्रॉल ऑफ रिलीजन फ्रॉम द वाइडर सोसाइटी, राइट? इसको हम देखेंगे. तो वेबर, सी ये दो ऐसी पीटर बर्जर में हम देखेंगे कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं. पीटर बर्जर विल से दैट क्रिश्चियनिटी इज द रिलीजन विच डग इट्स ओन ग्रेव, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन डिमाइज. वन ऑफ द सेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी दैट इज द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट्स और प्रोटेस्टेंटिज्म कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ मॉडर्निटी, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जैसे वेबर बात करते हैं, राइट? क्रिएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग, ऑल्टरनेटिव नोमोस, हम ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन, ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड व्यू वो हम बात करेंगे, राइट? प्लस undermining of the plausibility structure of religion, right? The social base of religion which makes the society possible, that is undermined, right? So this is the arguments he gave in favor of secularization. Wo bhi hum dekhenge, right? Now ye jo main scholars hain, these will in turn be, I'll be connecting them or interlinking them with Weber, right? For example, desacralization, jo Brian Wilson was influenced by Weber, right? तो वेबर कंसेप्ट ऑफ डिसइंचेंटमेंट, राइट? आई विल अगेन विजिट दैट कंसेप्ट. कार्ल मार्क्स से भी लिंक करेंगे, आर के मर्टन, राइट? डोर्खाइम, मालिनोस्की और अगस्त कॉम्ट, राइट? सो आई विल बी लिंकिंग दीज स्कॉलर्स विद दीज मेन स्कॉलर्स, राइट? तो आंसर्स अगर आप लिखोगे तो दैट वुड बी बेटर, राइट? इफ यू आर एबल टू फोर्स दीज इंटरलिंकेजेस, राइट? तो हम कॉजेज में वेरियस कॉजेज देखेंगे, राइट? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, इनलाइटनमेंट, रेनेसेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूरोप, रैशनलाइजेशन एंड ब्यूरोक्रेटाइजेशन विच मैक्स वेबर वाज टॉकिंग अबाउट, डिसइंचेंटमेंट, द राइज ऑफ साइंस, राइट? विच इज अ मोर सुपीरियर एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रूथ, मोर सुपीरियर
यू नो नॉलेज, अ बॉडी ऑफ नॉलेज मोर सुपीरियर, इट इज एबल टू डीमिस्टिफाई द नेचुरल सराउंडिंग्स. डिसइनचेंटमेंट के बारे में बात करेंगे वेबर, राइट? सो दैट विल बी द अनदर कंसेप्ट दैट विल बी टेकिंग अ लुक इन टू. ठीक है, तो अर्बनाइजेशन, ऑल दीज आर द फैक्टर्स विच आर कंट्रीब्यूटिंग टू द राइज ऑफ सेकुलराइजेशन और सोसाइटी इज गेटिंग मोर एंड मोर सेकुलराइजेशन, राइट? इसको भी आपको इंक्लूड करना है, राइट? दिस, इसमें हम थिंकर्स की बात करेंगे, राइट? डेविड मार्टिन की बात करेंगे, रॉबर्ट बेला की बात करेंगे, राइट? स्टीव ब्रूस की बात करेंगे, स्टार्क एंड ब्रेनब्रिज की बात करेंगे, राइट? जो रिलीजियस मार्केट थियरी देते हैं. सो दिस इज काउंटर एविडेंसिस आर सो मैनी, राइट? रिलीजियस रिवाइवलिज्म से भी लिंक्ड है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म से भी लिंक्ड है, सेक्ट्स, राइज ऑफ सेक्ट्स एंड कल्ट से भी लिंक्ड है, राइट? सो हाउएवर इफ क्वेश्चन कम्स रिलेटेड टू सेकुलराइजेशन यू कुड मैंशन दीज पॉइंट्स, राइट? बट आई विल कवर इट थीमेटिकली इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट? लास्टली विल बी टेकिंग अ लुक इन टू वट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकुलराइजेशन, द टर्म सेकुलराइजेशन एंड सेकुलरिज्म. आर दे इंटर रिलेटेड? ऑफ कोर्स दे आर इंटर रिलेटेड, राइट? तो हम देखेंगे देयर कुड बी थ्री ब्रांड्स ऑफ सेकुलराइजेशन, देयर कुड बी थ्री टाइप्स ऑफ सेकुलरिज्म, राइट? फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे मार्क्सिस्ट कंसेप्शन ऑफ सेकुलरिज्म, राइट? विच इज बेसिकली फाउंडेड ऑन एथिज्म, राइट? राइट, द गॉड इज डेड, राइट? नीचे टॉक्स अबाउट, नीचे बोलते हैं गॉड इज डेड, राइट? तो उसको लिंक, सी आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट इट इन लेक्चर, आई थिंक सो, बट यू कुड लिंक इट टू दिस गॉड, नीचे कंसेप्शन ऑफ गॉड इज डेड, राइट? थर्ड इज, सेकेंड इज वेस्टर्न कंसेप्शन और लिबरल कंसेप्शन ऑफ सेकुलरिज्म, राइट? विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप, राइट? फ्रांस स्पेसिफिकली, विच टॉक्ड अबाउट सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम द स्टेट, राइट? एंड रिलीजन बींग द प्राइवेट अफेयर ऑफ मैन, राइट? इट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ पब्लिक लाइफ, राइट? मार्क्स बोलते हैं इट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ प्राइवेट लाइफ इधर, राइट? देर इन मार्क्सिस्ट विल बैन और कम्युनिस्ट विल बैन द रिलीजियस लिटरेचर प्रैक्टिसिंग ऑफ रिलीजन, राइट? चर्च विल बी अबॉलिश्ड स्पेशली इन रशिया. एंड इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म विच टॉक्स अबाउट को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, राइट? मेकिंग सर्व धर्म संभव कंसेप्ट पॉसिबल इन केस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. सो दिस इज द ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ द लेक्चर, राइट? नो, अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं पीटर बर्जर्स द फिनोमिनोलॉजी ऑफ रिलीजन. ठीक है, सी हम इंटरेक्शनिज्म के बारे में पहले भी देख चुके हैं. वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट पीटर बर्जर एंड थॉमस लकमैन्स कंसेप्शन ऑफ रियलिटी. ठीक है, तो ये क्या बात करते हैं इंटरेक्शनिस्ट, राइट? फिनोमिनोलॉजिस्ट, राइट? एक बार वो पहले बेसिक देख लेते हैं, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमिनोलॉजी ऑफ रिलीजन, राइट? राइट, सो आई विल बी रिविजिटिंग दैट फर्स्ट, द बेसिक कंसेप्ट फर्स्ट, विच आई हैव ऑलरेडी टॉट, राइट? इन नॉन पॉजिटिविस्टिक मैथडोलॉजी आई हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इट व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट मीड, राइट? ठीक है, इसी हमें पता है कि पीटर बर्जर और थॉमस लकमैन, राइट, दे टॉक अबाउट द फिनोमिनोलॉजी ऑफ रिलीजन, राइट? इनकी सोशियोलॉजी क्या है? माइक्रो सोशियोलॉजी है. ठीक है, दे स्टडी द डे टू डे सोशल लाइफ ऑफ मैन, राइट? देयर आर्ग्यूमेंट इज दैट कि मैन थ्रू डेली एक्शंस एंड इंटरेक्शंस, राइट, दे कंस्टिट्यूट सोसाइटी, राइट? तो सोसाइटी इज कंस्ट्रक्टेड इन अ बॉटम अप मैनर थ्रू मैन्स एक्शंस एंड डेली इंटरेक्शंस, राइट? ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्शन, रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड बाय मैन थ्रू एक्शंस ऑफ मैन. ठीक है, एंड हाउ डिड दिस रियलिटी गेट कंस्ट्रक्टेड? तो उन्होंने बोला कि मैन इम्पोजिज एन ऑर्डर ऑन हिज एनवायरमेंट एंड सराउंडिंग्स, राइट? अपने सराउंडिंग्स और एनवायरमेंट का क्या है, मैन एक ऑर्डर इम्पोज करता है. मैन इज ट्राइंग टू मेक अ सेंस ऑफ हिज सराउंडिंग्स, हिज एनवायरमेंट, राइट? तो हमने देखा था सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पे कैसे मैन इज कंस्ट्रक्टिंग अ वर्ल्ड ऑफ सिंबल्स, राइट? सिंबल्स इन द सेंस कि मैन इज डिफाइनिंग हिज एनवायरमेंट, मैन इज प्रिडिक्टिंग हिज एनवायरमेंट, राइट? द वेरियस स्टिमुलाई इन्वॉल्व्ड एंड वेरियस ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, सिचुएशंस को क्या है, उस पे क्या है, मैन इम्पोज करता है एक मीनिंग. मीनिंग इम्पोज करना मतलब कि मैन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और इवेंट और सिचुएशन और पर्सन, मैन विल बी
manifesting an action or response in accordance with the meaning that is imposed. Right? I hope you are able to understand this. ठीक है, तो हमने देखा था कि मैन क्या वेरियस पूरे के पूरी सराउंडिंग्स को मीनिंग्स के टर्म्स में डिफाइन करता है. राइट, फॉर एग्जाम्पल रेड लाइट, राइट, दैट इज अ सिंबल एंड उसके साथ मीनिंग क्या अटैच्ड है. राइट, दैट मीनिंग मतलब एक्शन अटैच, दैट यू हैव टू स्टॉप. राइट, दैट इज द मीनिंग अटैच्ड. तो आप कभी भी रेड लाइट को देखोगे, राइट, एंड यू विल स्टॉप योर कार और व्हीकल. ठीक है, ऐसी चेयर, इट इज एन ऑब्जेक्ट, उसके साथ मीनिंग क्या अटैच्ड है, मतलब रिस्पॉन्स कैसा देना है. दैट इज, इट इज मेनली यूज फॉर सिटिंग. राइट, ठीक है. सो मैन इज कंस्ट्रक्टिंग अ वर्ल्ड ऑफ सिंबल्स, राइट, अ वर्ल्ड ऑफ मीनिंग. ठीक है, और वो मीनिंग के हिसाब से ही मैन अपने आप को ओरिएंट करता है वेरियस सिचुएशंस में, और उसी के हिसाब से क्या है, मैन एक अप्रोप्रिएट एक्शन क्या है मैनिफेस्ट करता है. राइट, सो वी सी कि मैन इम्पोजिज एन ऑर्डर ऑन हिज एनवायरमेंट और सराउंडिंग्स. ही इज कंस्ट्रक्टिंग अ वर्ल्ड ऑफ मीनिंग, राइट, थ्रू सिंबल्स. एंड थ्रू सिंबल्स वट इज डूइंग इज ही इज मैनिफेस्टिंग एन अप्रोप्रिएट एक्शन. राइट, सो ही इज ऑर्डरिंग हिज सराउंडिंग्स. राइट, और सराउंडिंग में कैसा स्टिमुलस मिलेगा उसके बेसिस पे एक अप्रोप्रिएट और ऑर्डर्ड एक्शन कैसा होना चाहिए, अप्रोप्रिएट एक्शन कैसा होना चाहिए. राइट, सो दिस इज लीडिंग टू ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. दैट इज पैटर्नड एक्शन विच इज मेकिंग, राइट, पैटर्नड एक्शन होगा दैट इज मेकिंग सोशल स्ट्रक्चर पॉसिबल. राइट, तो हमने देखा था कि दिस इज हाउ एक्शन इज प्रोड्यूसिंग द सोशल स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर इज इन टर्न शेपिंग मेंस सोशल एक्शन. राइट, सो इनके बीच में डायनेमिज्म है. राइट, एक्शन इज कंटिन्यूअसली प्रोड्यूसिंग द सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर इन टर्न इज कंटिन्यूअसली शेपिंग द सोशल एक्शन ऑफ मैन. या हम इसको पहले भी देख चुके हैं वेरियस थिंकर्स में. राइट, डी में डिटेल किया था. राइट, सो नाउ सी दिस इज द बेसिक कंसेप्ट और रिलीजन की उनकी थियोरी क्या बोलती है. राइट, सो लेट अस ट्राई टू मूव बियॉन्ड द बेसिक कंसेप्ट. ठीक है, नाउ सी रिलीजन के बेस उसको डिफाइन करने के लिए ही गिव्स टू कंसेप्ट्स. वन इज द कंसेप्ट ऑफ नोमोस एंड अनदर इज द कंसेप्ट ऑफ कॉस्मोस. राइट, ठीक है, तो नोमोस क्या है. सी नोमोस इज नथिंग बट योर सोसाइटी, योर सोशल रियलिटी, उसको वो नोमोस बोलते हैं. राइट, सोसाइटल वर्ल्ड व्यू, सोसाइटल, राइट, जो मैन ने वर्ल्ड व्यू ऑफ मीनिंग क्रिएट किया है, ये जो सोशल रियलिटी क्रिएट की है, सोसाइटल वैल्यूज क्रिएट की गई हैं, सोसाइटल इथिक्स क्रिएट किए गए हैं, और इसी वर्ल्ड व्यू में ही तो मैन रह रहा है, इसी वर्ल्ड व्यू में तो मैन, इसी स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर में ही तो मैन रिस्पॉन्ड कर रहा है, अप्रोप्रिएटली बिहेवियर मैनिफेस्ट कर रहा है. राइट, ठीक है, तो दिस इज नोन एज नोमोस. राइट, द सोसाइटल वर्ल्ड व्यू, सोसाइटल इथोस. राइट, द वर्ल्ड व्यू इन विच वी आर लिविंग इन. ठीक है, नाउ सी बर्जर क्या बोलते हैं कि मैंस बिलीफ इन नोमोस. राइट, अगर रिलीजन नहीं होगा ऑन इट्स ओन, मैंस बिलीफ इन नोमोस क्या है, इट इज शेकी, इट इज अनस्टेबल एंड इट इज प्रिकेरियस. राइट, विदाउट रिलीजन, विदाउट फेथ, मैंस बिलीफ इन दिस वर्ल्ड ऑफ मीनिंग दैट इज कंस्ट्रक्टिंग द नोमोस और सोशल रियलिटी दैट इज कंस्ट्रक्टिंग. राइट, दैट विल बी द शेकी, अनस्टेबल एंड प्रिकेरियस. राइट, ठीक है, नाउ सी इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन दिस नोमोस, राइट, लेजिटिमाइज दिस नोमोस, मेंटेन दिस नोमोस, द वर्ल्ड ऑफ नोमोस. राइट, द वर्ल्ड ऑफ मीनिंग, द सोशल रियलिटी, सोशल सोसाइटल एथिक्स, द सोशल रियलिटी इटसेल्फ, मैन हैज टू बिलीव इन इट. राइट, ही इज कंस्ट्रक्टिंग इट. सी, ही इज कंस्ट्रक्टिंग इट, बट ही शुड हैव डीप सेंस ऑफ फेथ एंड बिलीव इन दिस नोमोस. राइट, अदरवाइज अगर उसका शेक, अगर उसका जो बिलीफ है, इट विल, इफ इट इज शेकी, राइट, अनस्टेबल एंड प्रिकेरियस, देन क्या सोसाइटल स्टेबिलिटी और सोसाइटल ऑर्डर नहीं आ पाएगा. राइट, असेंशियली हमने क्या देखा, हेयर वी आर कंस्ट्रक्टिंग, मैन इज इम्पोजिंग एन ऑर्डर ऑन सोसाइटी. राइट, बट विदाउट रिलीजन, मैंस बिलीफ इन दिस नोमोस विल बी शेकी. ठीक है, सी पीटर बर्जर बोलते हैं, आई लाइक टू डाइवर्ट फ्रॉम द टॉपिक अ लिटिल बिट. राइट, कि जो मैन है उसका जो गेस्टेशन पीरियड होता है, राइट, द पीरियड वी स्पेंड इन आवर मदर्स वूम्ब, राइट, इट इज शॉर्ट. ठीक है, बाकी एनिमल्स में गेस्टेशन पीरियड, राइट, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट्स, राइट, और अदर ऑर्गेनिजम्स में गेस्टेशन पीरियड क्या है, प्रोलॉन्ग्ड है. तो वहां पे क्या है, इन्फेंट, मतलब जो
फीटस होगा राइट, उसमें क्या होगा कि इंस्टिंक्ट कम होंगे टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट, क्योंकि गेस्टेशन पीरियड कम है, वी आर नॉट एबल टू लर्न दैट मच राइट राइट, द इंस्टिंक्ट वो नहीं डेवलप हो पाते राइट. सी व्हेन अभिमन्यु वाज इन हिज मदर्स वॉम राइट, ही वाज एबल टू लिसन टू द कन्वर्सेशन दैट वॉज गोइंग, हाउएवर दिस इज मोर रिलेटेड टू रिलीजन एंड फॉर अ चाइल्ड इट वुड बी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड हिज दिस लैंग्वेज राइट, बिकॉज ही हैज स्टिल नॉट सोशलाइज, मेड वो बोलेंगे, लेकिन स्टिल आई विल ट्राई टू, आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल राइट राइट. ही कुड प्रिडिक्ट कि हाउ टू एंटर द चक्रव्यूह बट नॉट आउट टू नॉट हाउ टू गेट आउट ऑफ इट राइट. सी गेस्टेशन पीरियड क्या है एनिमल्स में ज़्यादा होता है, तो वो क्या है इंस्टिंक्टिवली कैसे रिएक्ट करना है एनवायरमेंट को, दे नो राइट, दे आर उनके बेटर इंस्टिंक्ट्स है, लेकिन मैन का गेस्टेशन पीरियड कम है तो उनके इंस्टिंक्ट्स इतने अच्छे नहीं है. तो मैन हैज़ टू मेक अ सेंस ऑफ हिज सराउंडिंग्स, ही हैज़ टू क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ मीनिंग्स, ही हैज़ टू इम्पोज एन ऑर्डर ऑन द सराउंडिंग्स, ही हैज़ टू डिफाइन द स्टिमुलस एंड एंड इंडल्ज इन अप्रोप्रिएट और स्ट्रक्चर्ड एक्शन राइट. दिस इज हाउ इज क्रिएटिंग ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन सोसाइटी राइट. एंड व्हेन इज क्रिएटिंग दिस सोसाइटल वर्ल्ड व्यू, सोसाइटल इथिक्स राइट, दैट इज द नॉर्मोस इज क्रिएटिंग राइट, उसमें उसका बिलीफ होना चाहिए ठीक है. नाउ दिस बिलीफ इज शेकी, अनस्टेबल एंड प्रिकेरियस विदाउट रिलीजन ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कैसे, फॉर एग्जाम्पल इन फेस ऑफ ऑल्टरनेटिव नॉमोज, यू हैव योर ओन नॉमोज, यू हैव योर ओन सोसाइटी, यू आर प्रैक्टिसिंग योर ओन रिलीजन राइट, बट यू कम अक्रॉस अ पर्सन बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोसाइटी, और उसमें क्या है कॉमन सेंस अलग होगी उस सोसाइटी में. व्हाट इज कॉमन सेंस इन दैट सोसाइटी माइट बी अ नॉन सेंस इन योर सोसाइटी. उसमें वर्ल्ड ऑफ मीनिंग कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है राइट, उसमें एक्सप्लेनेशंस कैसे दी गई हैं राइट. सो व्हेन यू कम अक्रॉस एन ऑल्टरनेटिव नॉमोस और ऑल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग और ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ट्रूथ, देन यू माइट स्टार्ट टू क्वेश्चन योर ओन नॉमोस, यू माइट स्टार्ट टू क्वेश्चन योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ राइट, यू माइट स्टार्ट टू क्वेश्चन योर ओन वर्ल्ड ऑफ मीनिंग राइट ठीक है. ऐसे ही साइंस, दिस इज हाउ साइंस हम देखेंगे सेकुलराइजेशन, साइंस इज रिप्लेसिंग टू रिलीजन, इट इज प्रोवाइडिंग एन बेटर और ऑल्टरनेट बेटर ऑल्टरनेटिव नोमोज एंड मैन इज नॉट बिलीविंग इन रिलीजन एनी मोर राइट. सी क्या, सो अल्टरनेटिव नोमोज ट्रूथ और एक्सप्लेनेशन हो, या फिर इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस फॉर एग्जाम्पल डेथ डिजास्टर प्लेग, इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस यू स्टार्ट टू क्वेश्चन द वर्ल्ड दैट यू हैव क्रिएटेड, द मीनिंग, द वेरी पर्पज ऑफ लाइफ राइट. इसी वर्ल्ड में एक पर्पज है, उसी में आप रह रहे हो, उसी में आपको स्टेबिलिटी और ऑर्डरलीनेस और स्ट्रक्चर्ड बिहेवियर और उसमें ही डायरेक्शन मिल रही है आपको राइट. विदाउट सोसाइटी यू विल बी कंप्लीटली डायरेक्शनलेस. इसी को तो वो बोलते हैं डुर्खाइम अनोमी राइट. अनोमी आया है नोमोस, द एब्सेंस ऑफ नोमोस दैट इज अनोमी. विदाउट एनी नोमोस, विदाउट एनी सोसाइटल वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ मीनिंग राइट, यू विल बी डायरेक्शनलेस, पर्पजलेस राइट. तो तभी तो वो बोलते हैं अनोमी कब आती है, जब डीरेगुलेशन होता है सोसाइटी का, जब बॉन्ड क्या है, सोसाइटी इज नॉट एबल टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एनी मोर. व्हेन इंडिविजुअल ही स्टॉप्स बिलीविंग इन द नोमोस, देन ही इज डायरेक्शनलेस. कलेक्टिव कॉन्शियंस के बारे में बात करते हैं डुर्खाइम, दैट इज कलेक्टिव कॉन्शियंस इज ए सॉर्ट ऑफ नोमोस, द वर्ल्ड दैट यू आर क्रिएटिंग राइट. तो जैसे व्हेन आई टॉक्ड अबाउट कि हाउ इन 13th-14th सेंचुरी ब्यूबोनिक प्लेग 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप वॉज वाइप्ड आउट एंड that created a kind of situation in which man won't be able to believe in his the nomos that he created. But still after that, why he stick to the nomos, right? Uska bhi reason hai, right? Dreams, fantasies, ya aapke man mein kuch dreams aaye, right? You saw a dream in which you saw an alternative reality or aapko kuch revelation hua, right? Most of the religions are revelations, right? रिविलेशन्स हुआ एंड यू सम हाउ बिलीव्ड और आपको कुछ ऐसी फैंटेसी सम हाउ बिलीव दैट व्हाट यू आर सीइंग और ड्रीमिंग दैट इज अ मोर बेटर नॉमोज और दैट इज अ मोर बेटर एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रूथ देन यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग टू योर ओन नॉमोज योर ओन वर्ल्ड व्यू राइट. सो मैंस बिलीफ इज शेकी अनस्टेबल एंड प्रिकेरियस राइट. और यहीं पे ही डिफाइंस रिलीजन राइट. सो ही सेज रिलीजन राइट
it performs a function, right, wherein religion is leading to creation of world of meanings, creation of nomos, maintenance and legitimization, right? Maintenance उसका, creation, maintenance और उसको legitimacy देना, उसको strength provide करना, उसको strong base provide करना, right? So that man's belief और man's faith, इसीलिए उसको faith बोला गया, right? Religion strengthens it legitimizes it, right? तो this is the role of religion, this is the function of religion, और and how does religion performs this role, right? तो वो बोलते हैं कि religion इंटीग्रेट करता है नोमोस को विद कॉस्मोस, राइट? दैट इज ही सेज दैट नोमोस इज रूटेड इन कॉस्मोस और नोमोस इज अ मिरर इमेज ऑफ कॉस्मोस. कॉस्मोस क्या है? कॉस्मोस इज बेसिकली द यूनिवर्स, राइट? इट इंक्लूड्स गॉड, द अल्टीमेट रियलिटी, द परमानेंट रियलिटी, द इनडिस्ट्रक्टिबल रियलिटी, दैट इज गॉड और द यूनिवर्स, राइट? So, वो बोलते हैं जब नोमोस को इंटीग्रेट कर दिया जाता है कॉस्मोस के साथ, यार योर नोमोस इज कंस्ट्रक्टेड डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कॉस्मोस, राइट? सो नोमोस इज अ मिरर इमेज ऑफ कॉस्मोस और नोमोस इज रूटेड इन कॉस्मोस, राइट? दिस इज हाउ ही सेज माइक्रोकॉस्म ऑफ सोसाइटी इज रूटेड इन मैक्रोकॉस्म ऑफ द यूनिवर्स और मैक्रोकॉस्म ऑफ द अल्टीमेट permanent, eternal, indestructible reality, right? Since cosmos is permanent, eternal and is indestructible, man starts to believe that nomos is also permanent, eternal and indestructible, and that is how his belief in this nomos is strengthened. It is not temporary or transient. It is not which is shaky, right? It is permanent, like universe itself, right? It is indestructible. It is eternal, like God, right? So, cosmos represents the ultimate reality. And now I'll try to give you some examples through which you could make a sense of how nomos is rooted in, or how nomos is a mirror image of cosmos, right? Bible bolta hai ki the world is created in God's image, right? Theek hai, to aapka nomos is a creation of God, right? Your nomos is deeply integrated with God. Your nomos is deeply integrated with cosmos, right? ठीक है, ऐसे ही आप देखो. नाउ लेट अस ट्राई कि हाउ रिलीजन क्या है, एक अम्ब्रेला प्रोवाइड करता है, राइट? पूरे नोमोस के ऊपर और पूरी सोसाइटी और इसके इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, राइट? ठीक है, उसको सेक्रेट कैनोपी बोलेंगे हम, देखेंगे, राइट? सी फॉर इंस्टेंस, सबसे पहले डेथ है. अगर मान लो कुछ अनप्रिडिक्टेबल इवेंट हुआ, राइट, विच शेक्स योर फाउंडेशन इन इन नोमोस, राइट? फॉर एग्जाम्पल डेथ, देन डेथ, right, which is a part of day-to-day life, day-to-day experience of man, right? Because that is a recurrent phenomena. You will experience it anywhere and everywhere, right? Anytime. ठीक है, so death क्या है, उसको कैसे relate किया गया है cosmos के साथ? See, death को कैसे बोला जाता है, या तो Christian faith में बोलेंगे, it is through death God is testing you, your faith in him. Through death it might be God's purpose, right? The person who was very close to you, if he or she died, she attained heaven, right? Or it is a kind of moksha or salvation. Death ko kabhi kabhi bola jata, right? Moksha or salvation ki taraf se bhi dekha jata hai, right? When man is trapped in this world, this is the philosophy of Hinduism, right? So somehow they are trying to link death with the universe, with the ultimate reality, with the God, right? ऐसी आपने देखा डेथ को कैसे बोला जाता है. सी डेथ इज, मैन हेट्स ट्रांजिएंट और टेम्परेरीनेस, राइट? मैन वॉन्ट्स परमानेंस इन हिज रिलेशनशिप्स, इन द पीपल ही सराउंडेड विद. ही डज नॉट वॉन्ट एनी वन टू डाई और हिज रिलेशंस टू फिनिश, राइट? और हिज रिलेशनशिप्स टू एंड. सो ही वॉन्ट्स परमानेंस इन लाइफ, राइट? एंड टेम्परेरीनेस काइंड ऑफ क्रिएट्स दैट anxiety, chaos, crisis, right? So man will start to his belief will start to shake in nomos, right? So iska alternative kya hai, for example Gita mein likha hua indestructibility of soul, right? This is what Krishna was trying to tell Arjuna when he was talking about the indestructibility of soul, right? Soul is indestructible, right? So in this battlefield you should be on the side of dharma, right? Because these are your relatives, right? But these are the souls,
will be taking multiple lives, right? Multiple avatars, multiple births. ठीक है, तो सोल इज इनडिस्ट्रक्टिबल, इट इज परमानेंट. ऐसे ही आप देखो कि किसी की डेथ हो जाती है तो कैसे क्रिश्चियन वर्ल्ड में और क्रिश्चियनिटी में है कि दे बिकम स्टार्स, राइट राइट. सो द मैन इज राइट, इट इज देयर इन द कॉस्मोस एंड राइट, तो थ्रू विच यू कैन रिलेट. ठीक है, सो दिस इज हाउ योर नॉर्मल डे टू डे वर्ल्ड इज इंटीग्रेटेड विद कॉस्मोस, राइट. फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स और किंग, राइट. आपका जो पॉलिटिक्स चल रहा है, गवर्नेंस चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, राइट, मोनार्की है. व्हाई यू शुड बी फॉलोइंग द अथॉरिटी ऑफ किंग, राइट? बिकॉज इट इज गॉड्स रूल, ही इज इंप्लीमेंटिंग गॉड्स विल, राइट. थ्रू हिम गॉड इज रूलिंग, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव गॉड और शैडो और सन ऑफ गॉड, राइट. सो दिस इज हाउ गॉड इज समथिंग, यूनिवर्स और कॉस्मोस और गॉड और अल्टीमेट रियलिटी इज क्रिएटेड विच इज डीपली इंटीग्रेटेड विद योर डे टू डे लाइफ, दिस सोशल रियलिटी, दिस नॉमोस. सो योर बिलीफ इन दिस नॉमोस इज स्ट्रेंथन, राइट. ठीक है, तो इसलिए क्या है, जब आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस करते हो आपको यही लगता है कि दिस इज द ओनली ट्रू रियलिटी, बिकॉज गॉड के अलावा कोई ट्रू रियलिटी हो ही नहीं सकती, राइट. एंड यू बिलीव योर नॉमोस टू बी ट्रू. That is why you start questioning other people's nomos. If you have deep faith in your own nomos, right, which is backed by religion, which is backed by God. ठीक है, और यही लगता है कि this should be, this is a permanent reality and eternal reality, and your own religion should be the religion of the universe itself, right? Because God is unlimited, He is unbound, right? He is everywhere, He is omnipotent, He is omniscient. That is your God, right? But another person's nomos or God could be different, right? And इसीलिए when you meet another person's nomos, it is due to this that you believe in eternity, permanence, and universality of your own religion or your own nomos, because it is linked with the cosmos. And you start to see the other nomos in terms of your own nomos, right? For example, you start to define other nomos as evil. आप अपने रिलीजन के चश्मे से ही देख रहे हो, अपने रिलीजन के लेंस से ही देख रहे हो, और आप दूसरे रिलीजन को, दूसरी सोसाइटी को आप इविल दिखाना स्टार्ट कर दोगे, राइट. ठीक है, तो दिस हैपेंड राइट पोस्ट दिस सद्दाम हुसैन वॉज पोर्ट्रेड एज अ इविल, राइट, who represented an alternative ideology and alternative nomos, right, which was in contradiction with the nomos of West or the nomos of Christianity, so as to say, right. Aise hi gays, lesbians, right, jinka different worldview hoga, you start questioning their lifestyle. Theek hai, right. And this is how religious wars were happening, right, religious wars. This is the reason behind it, right. तो योर सोशल यूनिवर्स इज इंटीग्रेटेड विद द कॉस्मोस, राइट. योर नोमस इंटीग्रेटेड विद कॉस्मोस, राइट. आप डेली लाइफ में जो भी होता है आप उसका इवेंट्स और एक्सप्लेनेशन इज ऑल इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, राइट. फॉर एग्जांपल बुबानिक, व्हाई डिड पीपल स्टक विद द नोमस ऑफ वेस्टर्न सोसाइटी और नोमस ऑफ क्रिश्चियनिटी, राइट, बिकॉज रिलीजन प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर इट. दैट इट इज द रेथ और एंगर ऑफ गॉड. यू हैव डेविएटेड फ्रॉम योर ओन नोमोज एंड दैट इज वाई God is punishing you. That is why 1/3 of the population of Europe was wiped out, right? So man will not be questioning the nomos anymore. And see, one of the best examples, agar isse question aata hai, and if you want to write an example, one of the best examples is the example of caste system, right? See, caste system, social order is related to cosmic order, right? Let me try to tell you how it is related. See, Manu Smriti mein Manu likhte hain कि द सोशल ऑर्डर और सोसाइटी जो क्रिएट की गई है, राइट, ये क्रिएट की गई है आउट ऑफ द वेरियस, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी और ब्रह्मा और द गॉड, द सुप्रीम क्रिएटर. इट इज द सुप्रीम क्रिएटर, ही इज क्रिएटिंग द योर नोमोस, राइट. तो सोसाइटी में सोशल वर्णा क्या होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राइट. दे आर क्रिएटेड फ्रॉम by the supreme creator, from the various body parts of the supreme creator. Brahmins from
माउथ, क्षत्रियाज फ्रॉम थाइज, सॉरी फ्रॉम आर्म्स और चेस्ट, राइट, एंड वैश्यास फ्रॉम थाइज एंड शूद्रास फ्रॉम द फीट, एंड सम पीपल हु आर नॉट पार्ट ऑफ द सोशल वर्ल्ड और नॉमस, दैट इज द अनटचेबल्स हु आर एक्सक्लूडेड, हु सफरिंग सोशल एक्सक्लूजन फ्रॉम द सोसाइटी, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सुप्रीम क्रिएटर. सो दिस इज हाउ योर नॉमस, social reality, social structure, the caste structure is related with the cosmos, the ultimate reality, Brahma, the supreme creator, right? Aur isiliye, right, caste system, shudras or untouchables, that is why shudras or untouchables, they accept the various disabilities or liabilities that were extended to them by the caste system, the menial occupations that were extended to them, their continuous exclusion and subjugation, right, their oppression and exploitation, why did they accept to it, why did they not fight against it? Louis Dumont likhte hain, because they were, it was justified, this nomos of caste, it was justified and legitimized by the cosmos of Hinduism, by Hindu ideology, right. Theek hai, so another very important concept, right, to isliye shaky and unstable or precarious नहीं है ये बिलीफ, राइट, बिकॉज दिस नोमोज इज मेड प्लोजिबल, नोमोज इज मेड फिजिबल, राइट, प्लोजिबिलिटी ऑफ नोमोज इज ड्यू टू द प्लोजिबिलिटी स्ट्रक्चर ऑफ रिलीजन, राइट, विच इज द सोशल बेस ऑफ रिलीजन, राइट, रिलीजन का सोशल बेस है विच इज लीडिंग टू दिस स्टेबिलिटी ऑफ नोमोज, राइट, प्लोजिबिलिटी ऑफ नोमोज, राइट, ठीक है, फिजिबिलिटी ऑफ नोमोज. तो ये प्लोजिबल स्ट्रक्चर के तीन कंपोनेंट होंगे, राइट, वन इज रिलीजियस फंक्शनरीज, द सोशल बेस ऑफ रिलीजन, राइट, फॉर एग्जांपल ब्राह्मिन्स को जीएस घुरे बोलते हैं, राइट, कि ब्राह्मिन्स दे आर द कैरियर्स ऑफ हिंदू कल्चर, कंसेप्ट ऑफ विद्या देते हैं, ब्राह्मिन्स दे आर द सोर्स ऑफ हिंदू नॉलेज आइडियोलॉजी एंड दे आर द सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दिस नॉलेज, राइट. तो हम बोल सकते हैं कि ब्राह्मिन्स कॉन्स्टिट्यूट द प्लोजिबिलिटी, द सोशल बेस और प्लोजिबिलिटी स्ट्रक्चर ऑफ हिंदुइज्म, विच इज मेकिंग द हिंदू सोसाइटी, द हिंदू नॉमोज पॉसिबल थ्रू दिस कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन जनरेशन अक्रॉस जनरेशंस, राइट. इट इज लीडिंग टू स्टेबिलिटी, फिजिबिलिटी, प्लोजिबिलिटी, एंड मैन इज नॉट क्वेश्चनिंग टू इट. कास्ट सिस्टम इन्फोर्स्ड बाय ब्राह्मिन्स, राइट. ऐसी प्रीस्ट और क्लर्जी इन केस ऑफ क्रिश्चियनिटी, राइट, बाइबल, राइट, बाइबल के फाइनल इंटरप्रेटर्स कौन थे? पॉप. एंड दिस द वर्ड ऑफ गॉड, द गॉस्पल वाज डिसिमिनेटेड अमंग द मासेस बाय क्लर्जी, राइट. सो थ्रू क्लर्जी कुड शेप द नॉर्म्स ऑफ द पीपल, राइट, कुड शेप देयर वर्ल्ड व्यू, कुड शेप देयर आइडियोलॉजी, ठीक है. Religious institutions, right? Church, mosques or temples, for example, they are also an important constitute the plausible structure of religion, which makes the religion possible. When men go to the Gurudwara together, when men go to the mosque together, or men collectively worship Jesus in a church, or men collectively sing bhajans, right? Collectively play to various Hindu gods, right? This is making the your current society possible, which is deeply integrated with religion, right? So this is what is making the nomos plausible, the nomos feasible, the nomos is surviving due to this, right? Religious books, literature, ideology, Quran, Bible, Gita, Guru Granth Sahib in case of Hinduism, right? So this constitute the plausible structure of religion, which is making the nomos plausible. This is the social base of religion. अगर इसको वाइप आउट कर दिया गया तब भी, तो अगर देखो आप, सी अगर कोई लेटर्स कंसीडर, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ नाजीज्म, व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू, राइट, दे वर ट्राइंग टू डू, नाजीज और फासिस्ट, दे वर ट्राइंग टू एलिमिनेट ऑल द एंटी नेशनल्स, राइट. सो दे वर ट्राइंग टू काउंटर द ऑल्टरनेट नोमोज, एंटी नेशनल्स हु वर मेकिंग द alternative nomos possible. They wanted to create their own nomos, their own society, build upon their own symbols, worldviews, the symbol of Nazism, right? ठीक है, ऐसी they tried to book, burn this religious literature, religious books or this liberal books,
राइट, ओपन फायर होती थी उसमें कलेक्टिवली, राइट, बॉर्न फायर होती थी जहां पे कलेक्टिवली दीज बुक्स वर बर्नड ड्यूरिंग नाजिज्म, द अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी, राइट. सो दे व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू इज दे वर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द अल्टरनेट नॉर्म्स, राइट, बाय डिस्ट्रॉइंग इट्स सोशल बेस, बाय डिस्ट्रॉइंग इट्स प्लॉजिबिलिटी स्ट्रक्चर, राइट. ठीक है, तो अगर हम कन्वेंशनल रिलीजन्स में नहीं जाते हैं, अगर एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं, लेट अस अज्यूम अ वेरी सिंपल प्रिमिटिव ट्राइबल सोसाइटी, राइट, एंड ड्यू टू सम, फॉर इंस्टेंस, लेट अस से ड्यू टू फॉरेन इन्वेडर्स, राइट, फॉर एग्जांपल रेड इंडियंस थे जब अमेरिका में, एंड हाउ द यूरोपियंस काइंड ऑफ माइग्रेटेड टू यूरोप एंड दे डिस्ट्रॉयड देयर कल्चर, दे डिस्ट्रॉयड देयर नॉर्म्स, राइट. सो दे डिस्ट्रॉयड इट बाय डिस्ट्रॉइंग देयर प्लॉजिबिलिटी स्ट्रक्चर, राइट. सो इफ यू डिस्ट्रॉय दिस प्लॉजिबिलिटी स्ट्रक्चर, देयर नॉर्म्स वुड कलैप्स, राइट. सो दिस इज व्हाट, तो रिलीजन क्या है, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट टर्म विच यू कुड राइट डाउन, राइट. सो रिलीजन इज लाइक अ सेक्रेड कैनपी, इन्होंने इनफैक्ट बुक लिखी थी पीटर बर्जर ने, सेक्रेड कैनपी, राइट, दिस इज की वर्ड, सेक्रेड कैनपी, प्लॉजिबल स्ट्रक्चर ऑफ रिलीजन, नॉर्मोस एंड कॉस्मोस, राइट. अगर 10 मार्कर आता देन यू कुड इंक्लूड दिस, दे माइट आस्क यू अबाउट इन, फॉर एग्जाम्पल दे आर आस्किंग क्वेश्चन लाइक दिस, राइट. फॉर एग्जाम्पल दे आस्क दिस लीला दुबई से, उन्होंने पेपर टू में, राइट, सीड रिलेटेड टू सीड एंड अर्थ, दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर दे आर आस्किंग, दे माइट आस्क यू अबाउट नॉर्मोस एंड कॉस्मोस और प्लॉजिबिलिटी स्ट्रक्चर ऑफ रिलीजन और द कंसेप्ट ऑफ सेक्रेड कैनपी. तो पीटर बर्जर बोलते हैं कि रिलीजन इज लाइक अ सेक्रेड कैनपी, राइट, सेक्रेड कैनपी, राइट. फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट की कैनपी होती है, राइट, ट्रीज, वहां में क्या है, छाव देते हैं ट्रीज, राइट. सो रिलीजन इज लाइक अ दिस कैनपी, इट इज लाइक अ ब्रॉड अम्ब्रेला, राइट, which has spread over the entire society, right, and it is helping in maintaining the stability of its norms, a world of meaning, right, order and stability, preventing chaos, right. So like a sacred canopy, right, this is what religion is doing, theek hai, right. So this is the concept of sacred canopy, right. Aur yahan pe aap link bhi karna isko anomy se bhi, right, how man when he start to question his own norms, right, when this regulation of his behavior or his action is not shaped by the world view or norms, right, it will create a sense of directionless in him, right, lack of regulation or of his abandonment of norms, it will create a sense of directionlessness, purposelessness, right, because man is justifying his entire existence in the world of meaning that is constructed. If now this world of meaning gets shattered, man becomes directionless, he becomes purposeless, right. That religion was helping in giving certainty, predictability, right. So isko aap link kar sakte ho functions of religion, right. इसके बारे में बात करते हैं, why is the religion important, phenomenology of religion को, right. So anomy से भी आप link करो, ठीक है. So this was concept of phenomenology of religion, right. Now let us start with the secularization. Now अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, what is secularization, right. See, secularization as the word itself suggests, it has something to do with secular and ion. Now I have already mentioned it multiple times that जहां भी ion आता है, it means it is a process. Now secularization, it is a process, right. It is a process in which the significance of religion in day-to-day lives of man is going to decline, right. So it is a process of societal transformation. It is a process of social change. Jahan pe, why is society transforming, right? Because the significance of religion is decreasing. Jo pehle religion ki ya dharm ki जो इंपॉर्टेंस थी वो डिक्लाइन हो रही है, राइट. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज सेकुलराइजेशन, राइट. सो सेकुलराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन और सोशल चेंज विच इन्वॉल्व्स द डिक्रीजिंग सिग्निफिकेंस, द डिक्रीजिंग रोल, इन्फ्लुएंस दैट रिलीजन हैव ऑन पीपल, राइट, इंपैक्ट दैट रिलीजन हैव ऑन पीपल, राइट.
सो रिलीजियस इन्फ्लुएंस रिलीजियस द रोल ऑफ रिलीजन इन डे टू डे लाइफ ऑफ मैन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजन एंड द इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन राइट इन द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ दैट इज गोइंग टू डिक्लाइन राइट सो दिस प्रोसेस ऑफ डिक्लाइनिंग रोल ऑफ रिलीजन राइट इन सोसाइटी इन इट्स वेरियस सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स दिस प्रोसेस इज नोन एज सेकुलराइजेशन राइट ठीक है अब सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कैसे नाउ लेट अस से कि पहले अगर मान लो एग्रीकल्चर से पहले अगर आपने पढ़ा हो एंशंट हिस्ट्री में जब लोग खेती करते थे राइट देन दे यूज टू इंगेज इन वेरियस काइंड ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स बिफोर स्टार्टेड डूइंग प्लफिंग और बिफोर स्टार्टिंग सोइंग द सीड्स इन द फील्ड्स राइट सम काइंड ऑफ रिलीजियस रिचुअल्स यूज टू डन ठीक है पहले के टाइम पे राइट सिमिलरली इफ यू सी इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में भी अगर कोई अपना कुछ इकोनॉमिक बिजनेस भी करना चाहता था राइट तो कंपैरेटिवली पहले क्या है लोग रिलीजियस रिचुअल्स करते थे ठीक है पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में स्टेट वॉज गवर्न्ड बाय द डिमांड ऑफ रिलीजन राइट तो हम देखेंगे यूरोप में देर वॉज नॉट एनी सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स क्या है आपस में इंटरमिक्स थे इनफैक्ट इट इज द रिलीजन विच वॉज शेपिंग द पॉलिटिक्स राइट सो इट वॉज चर्च विच वॉज इन्फ्लुएंसिंग द स्टेट ठीक है तो रिलीजन की जो मॉरेलिटी है उसी के बेसिस पे स्टेट रूल करती थी और हमने पढ़ा भी था व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट रेनेसा एंड इनलाइटनमेंट द डिवाइन राइट ऑफ द किंग किंग जस्टिफिकेशन कहां से लेके आता था कि वाई शुड अ किंग रूल सो द क्लर्जी और द चर्च जस्टिफिकेशन देता था कि द किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ राइट कुछ केसेस में उसको शैडो ऑफ गॉड भी बोला गया राइट अकबर यूज टू कॉल हिमसेल्फ द शैडो ऑफ गॉड बुद्धा सॉरी अशोका यूज टू कॉल हिमसेल्फ देव नाम पिय पिय दासी आई एम डियर टू द गॉड्स राइट ऐसे ही यूरोप में राइट ये डिवाइन राइट ऑफ किंग थियरी चलती थी और हमने देखा था कैसे होब्स ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर राइट इन यूरोप हु क्वेश्चन्ड दिस डिवाइन राइट ऑफ द किंग राइट एंड ही टॉक्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है तो ये डिवाइन राइट ऑफ किंग आया कहां से इससे क्या किंग अपनी लेजिटिमेसी डिराइव करता था ठीक है और चर्च कुड क्लेम कैट दे दिस किंग इज देयर टू इंप्लीमेंट गॉड्स विल ऑन अर्थ राइट टू इंप्लीमेंट गॉड्स रूल ऑन अर्थ देयर बाई चर्च कुड डिक्टेट द स्टेट Right, to engage in annexation and expansion, by because why by through annexation and expansion they will be expanding the God's rule on earth. And what is God's rule? The religion of the state, that will be the God rule, right? That led to expansion of Christianity. Right, colonialism ke saath saath Christianity ka bhi expansion hua. To political, theek hai. Social aspects, right? Church ka kafi significance or role tha. इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए राइट आपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखा हो इंडिया में और मिडिवल इंडिया में एंशियंट इंडिया में इट वॉज बेस्ड ऑन रिलीजियस थीम्स राइट लिटरेचर वॉज बेस्ड ऑन रिलीजियस थीम्स रामायण महाभारत सेम गोज फॉर यूरोप राइट अगर आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ते हो राइट उसमें मेजर एम्फेसिस किसका था चर्च का कैसा आर्किटेक्चर होता था कैथेड्रल्स कैसे थे राइट सो डिफरेंट aspects, सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक aspects ऑफ a man's लाइफ दे वर शेप्ड एंड influenced बाय religion. एंड religion हैड a ग्रेट रोल टू प्ले इन man's डे टू डे लाइफ राइट सो सेकुलराइजेशन इज द प्रोसेस जिसमें ये जो डेली ये जो सिग्निफिकेंस है रोल है इम्पैक्ट है इन्फ्लुएंस है पावर है राइट ऑफ रिलीजन दैट इज डिक्रीजिंग इन द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक aspects ऑफ लाइफ राइट नाउ सेकुलराइजेशन के जो मेजर थिंकर हैं वो है ब्रायन विल्सन राइट ब्रायन विल्सन रिमेंबर दिस नेम ठीक है सेकुलराइजेशन से कोई भी क्वेश्चन आता है देन यू शुड डेफिनेटली बी कोटिंग दिस थिंकर राइट बिकॉज ही अलोंग विद पीटर बर्जर राइट ही अलोंग विद पीटर बर्जर दीज आर द टू मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ सेकुलराइजेशन थीसिस ठीक है
ठीक है, हम पढ़ेंगे भी आगे अलग अलग थिंकर्स के बारे में। तो ब्रायन विल्सन बोलते हैं कि सेकुलराइजेशन इन्वॉल्व्स राइट दीज थ्री एस्पेक्ट्स, हम तीन एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वो बोलते हैं ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ठीक है, सेकुलराइजेशन का मतलब ही है कि जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है राइट, ह्यूमन मैन का जो थिंकिंग है, थॉट है, माइंडसेट है, एटीट्यूड है, वर्ल्ड व्यू है, उस पर रिलीजन का जो इंपैक्ट और इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाए या कंप्लीटली रिप्लेस हो जाए राइट। सो वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सेकुलराइजेशन इज डिक्रीजिंग रोल ऑफ रिलीजन इन शेपिंग मैंस माइंडसेट, थॉट, एटीट्यूड, थिंकिंग और कॉन्शियसनेस, ठीक है। सो दिस मैंस थिंकिंग इज नॉट शेप्ड बाय रिलीजियस बिलीव्स एंड आइडियाज एनी मोर, ठीक है। सो ही इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट सेकुलराइजेशन फ्रॉम थ्री पर्सपेक्टिव्स राइट, वन इज डिक्लाइन इन रिलीजियस बिलीव्स एंड रिलीजियस आइडियोलॉजी, सेकेंड इन डिक्लाइन इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, एंड थर्ड इज डिक्लाइन इन रिलीजियस प्रैक्टिसेस राइट। इन तीनों स्पेयर्स में क्या है, आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। सो मैंस थिंकिंग, थॉट, माइंडसेट एंड वर्ल्ड व्यू इज नॉट शेप्ड बाय रिलीजियस बिलीव्स एंड आइडियाज एनी मोर राइट, ठीक है। एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेंट्स राइट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ सुपर नेचुरल राइट, ठीक है। जब रिलीजन का ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा, मैन अपने वर्ल्ड व्यू और मीनिंग्स कैसे क्रिएट करेगा राइट, ही विल डिफाइन ऑल द इवेंट्स राइट, एवरीथिंग दैट ही सीज अराउंड हिम इन टर्म्स ऑफ इंटरवेंशंस ऑफ द सुपर नेचुरल राइट और गॉड्स विल। बारिश हो रही है, हमने पढ़ा था व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट डोर्खाइम दैट रिलीजन ऑल्सो प्रोवाइड्स यू नॉलेज, इट गिव्स यू अ वर्ल्ड व्यू टू मेक सेंस ऑफ योर सराउंडिंग्स। बारिश हो रही है, देन मैन इज क्यूरियस इनफ टू नो द रीजन बिहाइंड दिस फिनोमिनन। तो मैन बोलता है, उसको एक कैटेगराइजेशन देता है और उसको जस्टिफाई करता है कि देर मस्ट बी सम काइंड ऑफ रेन गॉड, इंद्र देवता, ठीक है, ड्रॉट आया, सो दैट इज यू कुड से, और कुछ नेचुरल कैलेमिटी हुई है राइट, दैट यू कुड से इट इज ऑल्सो विल ऑफ गॉड, दिस इज एंगर ऑफ रेथ ऑफ गॉड, दैट इज वाई मैन यूज टू वर्शिप गॉड। सो हिज एंटायर वर्ल्ड व्यू, द नॉलेज राइट, ही हैज कंस्ट्रक्टेड दिस वर्ल्ड ऑफ मीनिंग, अगर आपने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पढ़ा हो राइट, सो एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ सुपर नेचुरल इवेंट्स। और जब व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, तो कॉम्ट क्या बोलते हैं, ह्यूमन थॉट इवॉल्व हुआ है जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई है, ठीक है, फ्रॉम रिलीजियस टू मेटाफिजिकल टू साइंटिफिक स्टेज ह्यूमन थॉट भी इवॉल्व हो रहा है। तो व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट ऑगस्ट कॉम्ट राइट, तो हम बोल सकते हैं जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है उसके लेवल पे क्या है, लेवल ऑफ सेकुलराइजेशन भी बढ़ता रहा है, जा रहा है, क्योंकि मैंस थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ रिलीजन राइट दैट इज गोइंग टू डिक्लाइन विद इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटीज, ठीक है। तो अगर हमने आपने देखा था कि फर्स्ट स्टेज में आई वॉज टॉकिंग अबाउट रिलीजियस स्टेज, व्हेन आई वॉज टॉकिंग अबाउट ऑगस्ट कॉम्ट, जहां पे मैन एक्सप्लेन्स एवरीथिंग इज थॉट्स, एवरीथिंग इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, और वहां पे स्पिरिचुअल पावर किसके पास थी, प्रीस्ट्स के पास स्पिरिचुअल पावर थी, दे वर कंट्रोलिंग द माइंड्स, द आइडियोलॉजी एंड द स्पिरिट्स ऑफ मैन, द थिंकिंग ऑफ मैन, एवरीथिंग वॉज एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। फिर हमने देखा मेटाफिजिकल स्टेज आएगी, वहां पे रोल ऑफ रिलीजन कम हो जाएगा, जो रिलीजन आएगा, जो गॉड आएगा, वो इट वॉज द गॉड वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एंड रीजन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मेटाफिजिकल थॉट, ब्राह्मण, शंकराचार्य ने जो अपना कंसेप्ट दिया था। फिर हम देखेंगे लास्ट में ऑगस्ट कॉम्ट बोलते हैं साइंटिफिक स्टेज, दैट इज द स्टेज ऑफ साइंस विदाउट रिलीजन राइट, इट इज अ स्टेट ऑफ फुल सेक्युलराइजेशन, वेर दिस प्रोसेस ऑफ सेक्युलराइजेशन इज कंप्लीट राइट। सो आई होप यू आर एबल टू रिलेट टू ऑगस्ट कॉम्ट एज वेल, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ सुपरनेचुरल, दिस is going to decrease or it will entirely cease to exist right, either of two things are going to happen right, even if it decreases it means secularization is increasing and society is transforming. So religious consciousness or religiosity right, this is a very good word, religiosity, aap religious consciousness aur uske sath religiosity right, dharmikta decrease kar rahi hai man ki right, so that is in thinking. Or religiosity is on decline and this is replaced by secular consciousness, scientific thinking and rationality in the modern societies.
राइट. सो वन एस्पेक्ट इज डिक्लाइन इन रिलीजियस बिलीफ और आइडियाज, डिक्लाइन इन रिलीजियस कॉन्शियसनेस और रिलीजियस रिलीजियोसिटी, और मैंस कॉन्शियसनेस इज शेप्ड बाई सेकुलर थिंकिंग रैशनैलिटी. उसकी थिंकिंग, उसकी कॉन्शियसनेस है रिलीजियस कॉन्शियसनेस से ट्रांसफर होंगे टू सेकुलर कॉन्शियसनेस, राइट. सो वन इज दिस कॉम्पोनेंट ऑफ सेकुलराइजेशन. सेकेंड दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज कॉन्शियसनेस के साथ साथ क्या है, बाकी दो एस्पेक्ट्स भी चेंज होंगे, राइट. तीनों मिलकर सेकुलराइजेशन का एक वो अलग अलग क्या है एस्पेक्ट्स बनाएंगे, राइट. ब्रायन विल्सन बात करते हैं डिक्लाइन इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, राइट. फॉर इंस्टेंस, राइट, वो बात करते हैं पीपल्स पार्टिसिपेशन इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इज डिक्लाइनिंग, राइट. और वो एग्जाम्पल देते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल ही टॉक्स अबाउट वेस्टर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, राइट. स्पेशली वॉज टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न यूरोप, एंड देयर इन ही मेंशंस अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ द एम्प्टी चर्चेस इन इंग्लैंड, राइट. इंग्लैंड में क्या है, ज्यादातर चर्चिज, राइट, इन द कंटेम्परेरी टाइम्स आर एम्प्टी. सो ही सेज इट मींस नो वन इज गोइंग टू देम, सो दीज आर एम्प्टी चर्चिज, राइट. तो मेंस पार्टिसिपेशन, राइट, इन वेरियस रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक चर्च इज डिक्रीजिंग. संडे प्रेयर होती थी पहले मिडिवल यूरोप में, राइट. ऑल द मेंबर, ऑल द कैथलिक्स, दे यूज टू गैदर टूगेदर इन अ चर्च, राइट. दे यूज टू participate in that daily that weekend Christian prayers, right, the Sunday prayers, right. So he says that is decreasing. Most of the churches in England remain empty. So he says this is another evidence of secularization that is taking place in the contemporary societies, right. ठीक है. So church is losing its power and prestige and influence, right. It is losing its hold over the ideas and activities of men, right. So, right, चर्च का पावर, चर्च का इन्फ्लुएंस, राइट, चर्च की वेल्थ भी डिक्रीज कर रही है. सी, मिडिवल यूरोप में चर्च यूज टू कंट्रोल ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ मैंस लाइफ. ठीक है. सबसे पहले चर्च थ्रू बाइबल, इट वॉज पोप एंड क्लर्जी हु वर द सोल इंटरप्रेटर्स ऑफ बाइबल, द वर्ड ऑफ गॉड, राइट. सो दे वर द इंटरमीडियरीज एंड दे वर स्प्रेडिंग द गॉस्पल, द वर्ड ऑफ गॉड टू द मासेस. तो जो पोप जो बोलता था कि दिस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइबल, दिस इज व्हाट गॉड मींस एंड दिस इज व्हाट जीसस वांट्स टू से, दिस इज व्हाट जीसस वांट्स टू कन्वे, राइट. एंड पीपल यूज्ड टू बिलीव, राइट. ठीक है. सो चर्च वाज हैविंग डेफिनेट कंट्रोल ओवर मैंस आइडियोलॉजी. ठीक है. द कंसेप्ट ऑफ सिन, अगर आप सिन करोगे देन देयर इज अ गॉड वॉचिंग ओवर यू, राइट. कंसेप्ट ऑफ कन्फेशन, और हमने काफी सारे अलग अलग कंसेप्ट देखे थे, लेटर ऑफ इंडल्जेंस जिसमें प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मार्टिन लूथर किंग आके उनको क्रिटिसाइज करते, राइट. सो हम देखेंगे कॉजेज ऑफ सेकुलराइजेशन, वेरियस कॉजेज है, उसमें से एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन है, और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन इज वन ऑफ द प्रोटेस्टेंट आर इज वन ऑफ द सेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, और इसके बारे में पीटर बर्जर बोलेंगे क्रिश्चियनिटी डग इट्स ऑन ग्रेव, अपनी कवर क्रिश्चियनिटी ने खुद ही खो दिया, राइट. इट वॉज वन ऑफ द सेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी विच लेड टू इट्स डिमाइज, राइट. हम उसको पढ़ेंगे आगे चल के, राइट. ठीक है. तो चर्च पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को भी कंट्रोल करता था, स्टेट को भी कंट्रोल करता था, स्टेट को डायरेक्शंस देता था. इनफैक्ट लेजिटिमेसी किंग पॉप के वर्ड से ही ड्राइव करता था, और किंग यूज टू रिप्रेजेंट द चर्च इन द रिलीजियस वॉर्स, एंड इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द किंग टू एक्सपेंड और एनेक्स द एम्पायर ऑफ गॉड एंड द एम्पायर ऑफ क्रिश्चियनिटी. ठीक है. So that is not happening anymore. Church used to control education. Education was in hands of church. ठीक है. Wherein Bible was taught, also secular sciences were also taught. So education was controlled by church. Church was engaged in social welfare. ठीक है. Different aspects of man's life, right? They were controlled or influenced by church. So church was very powerful in medieval Europe. ठीक है. सो वो बोलते हैं दैट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग इन द कंटेम्परेरी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में पार्टिसिपेशन भी डिक्रीज कर रही है. थर्ड इज रिलीजियस प्रैक्टिस, राइट. रिलीजियस बिलीफ्स और रिलीजियस आइडियोलॉजी के साथ साथ क्या है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी डिक्लाइन कर रही हैं, राइट. रिलीजियस रिचुअल्स जो मैन डे टू डे लाइफ में रखता है, फास्टिंग्स, प्रेयर्स, राइट, गोइंग टू चर्च, राइट, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, confessions, these are decreasing in the contemporary times.
So these are the various evidences of secularization that Brian Wilson put forwards, right? And he sees secularization in terms of these three dimensions, right? Because these three dimensions together constitute the structure of religion. Religious ideology, religious institutions or clergy, right? And religious practices, they together combine to form the structure of religion. And along all these three components, right, there you could see or witness the decline in religion. So this is what secularization, the basic concept of, this is the basic concept of secularization, right? Ab hum 5 se 6 dimensions dekhte hain through which we will try to justify what are the causes, or we will try to find out the various causes of secularization, right? Theek hai, to usme various thinkers hum padhenge, right? So one you could relate August Comte, right, which I have already talked about. Ab hum baat karte hain causes, right? And various causes of secularization, I'll be talking about 5 to 6 causes, right? So from the point of view of different scholars, thinkers, and what are their views about secularization, hum dekhenge wo, right? To hum sabse pehle baat karenge Brian Wilson. See, Brian Wilson, he is the one of the foremost proponents of secularization along with Peter Berger. Brian Wilson, right, he was influenced from Max Weber. And how he was influenced from Max Weber, we'll be going to look into this first point. He talks about desacralization of society. Now, what is desacralization, right? Again, it is a process. It is related to secularization, right? Sacralization, right? Sacred. And desacralization matlab decreasing role and significance of sacred, that if the, what is the domain of the sacred, that is religion itself, right? Decreasing role or significance of sacred or religion in society, that is desacralization. So we can say it is another word for secularization itself, right? So he says desacralization of society is taking place, and he was influenced by Weber, right? So hum argument dekhte hain how desacralization of society is taking place, राइट. तो फर्स्ट पॉइंट, राइट, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट कॉजेज. तो मैक्स वेबर बात करते हैं इंक्रीजिंग रैशनलाइजेशन एंड ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी, राइट. हम काफी बार पढ़ चुके हैं, मैक्स वेबर बात करते हैं कि जैसे जैसे विद द ऑनसेट ऑफ मॉडर्निटी मैंस रैशनल थिंकिंग, मैंस रैशनैलिटी इज इंक्रीजिंग, राइट. ठीक है. सो ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन और मॉडर्निटी और ऑनसेट ऑफ मॉडर्निटी इन वेस्टर्न यूरोप, right, we can see man's thinking and action is becoming increasingly rational, right? Our thoughts are increasingly getting rational due to the impact of modernity, right? Aur humne dekha ki Weber baat karte hain, aur when he was talking modernization, humne char types of action padhe the, usme se we talked about Zweck rational action ya fir instrumental action, right? मॉडर्न सोसाइटी में रैशनलाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या, रैशनल एक्शन इज इंक्रीजिंग, राइट. रैशनल एक्शन, दैट इज ज़्वेक रैशनल एक्शन और इंस्ट्रूमेंटल एक्शन. इंस्ट्रूमेंटल एक्शन हमने देखा था कि मैन का क्या है, मींस एंड ओरिएंटेशन है. मैंस डिफाइन हिज गोल्स प्रिसाइजली एंड ही चूज हिज वेरियस मींस इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज गोल्स, राइट. सो मैन इज गेटिंग मोर रैशनल, ही इज गेटिंग मोर precise, he is getting more formal, he is adopting means and orientation, using certain means precisely defined goals could be attained, right? So these means need to be formulated on the basis of rational scientific lines, jahan pe koi emotions involved nahi honge, one should be detached and neutral. You see, this is like rational action, right? The power of reason. So man is engaged in careful planning, thought, precision, right? Right? So man is getting more rational and less emotional, right? ये हम देख चुके हैं. And why is man doing this, right? Instrumental or Zweck rational action, मतलब means and orientation. So this is a utilitarian mode of thinking. Man is trying to satisfy his own needs, right? By pursuing carefully planned, thoughtful, deliberate action, right? In terms of means and orientation, man is carefully or precisely defining his goals or ends and using his mind or rational thought, right, to come up with various alternatives or means in order to satisfy these goals, right? He is engaged in planning, thought, deliberation, brainstorming,
ये हमने पढ़ा था ज़ैक रैशनल एक्शन में, राइट। सो मैंस थिंकिंग इन मॉडर्न टाइम्स इज गेटिंग मोर रैशनल एंड लेस इमोशनल। ही इज टेकिंग डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, लॉजिक, डेटा एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस, राइट। ठीक है, तो दिस मैन इज ट्राइंग, थ्रू दिस मैन इज ट्राइंग टू ऑगमेंट और मैक्सिमाइज हिज सेल्फ इंटरेस्ट। सो दिस इज ऑल्सो अ यूटिलिटेरियन। एंड वट इज यूटिलिटेरियन? कॉमन प्लेस एवरी डे, दैट इज प्रोफेन एंड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्रेड। हमने पढ़ा था डॉर्कहाइम में, सेक्रेड इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोफेन। प्रोफेन जो है विच इज यूटिलिटेरियन, विच इज एवरी डे, राइट, विच इज नॉट सेक्रेड। ठीक है, सो ऑल दीज लेक्चर्स रिक्वायर यू टू बी अवेयर ऑफ दीज टर्म्स, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। ओनली इफ यू हैव कंप्लीटली फॉलोड द लेक्चर्स, राइट, rigorously, then you would be able to understand these concepts why I am talking about. Second is bureaucratization. ठीक है, see rationalization और bureaucratization दोनों बढ़ रहे हैं, और हमने देखा था कि bureaucracy modern times में Weber बोलते हैं it has penetrated all the spheres of work, right? So expansion, penetration and pervasiveness of bureaucracy in all aspects of work, right, we are rapidly witnessing this, because according to Weber kya bolte hain, bureaucracy is the most efficient form of organization of work. If you want to organize any work efficiently, then it should be organized on the basis of bureaucratic lines, right, jisme kya hoga, formalization hoga, standardization hoga, specialization hoga. ठीक है, हमने ब्यूरोक्रेसी में देखा था, राइट। सो ब्यूरोक्रेसी इज द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। एंड व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी? इट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर वर्किंग इन अ कोऑर्डिनेटेड कंसर्टेड मैनर विद ईच अदर, हैविंग सर्टेन पावर और अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स, फॉलोइंग सर्टेन हायरार्की एंड कमांड, एंड एंगेजिंग इन रैशनल एक्शन इन। एंड व्हाई आर दे डूइंग दिस? इन ऑर्डर टू अटेन सर्टेन एंड्स, राइट। सो ब्यूरोक्रेसी इज अ मींस, इट इज अ मोस्ट पावरफुल टूल और इंस्ट्रूमेंट। और बात करते भी है वेबर, द ओनली चॉइस इज बिटवीन डायलेटेंटिटिज्म, राइट, दैट इज सुपरफिशियलनेस, और ब्यूरोक्रेसी विच रिप्रेजेंट्स एफिशिएंसी, राइट। सो ब्यूरोक्रेसी इज द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, राइट। इन मॉडर्न टाइम्स ब्यूरोक्रेसी हैज पेनिट्रेटेड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन, एनी काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन ब्यूरोक्रेटिक लाइंस, इंडस्ट्रीज, राइट, दे आर एंगेज्ड ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ब्यूरोक्रेटिक लाइंस, मिलिट्री, यूनिवर्सिटीज, स्कूल, हॉस्पिटल्स, जहां पे भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, जहां पे भी एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा, राइट, इन ऑल दिस स्पेस यू नीड एडमिनिस्ट्रेशन, सो ऑल दिस इज एंगेज्ड ऑन ब्यूरोक्रेटिक लाइंस। एंड ब्यूरोक्रेसी इज नॉट योर टिपिकल ब्यूरोक्रेसी, खाली सिविल सर्वेंट से ब्यूरोक्रेसी नहीं है। मैक्स वेबर का कंसेप्ट दूसरा था, सिविल सर्वेंट्स डेफिनेटली रिप्रेजेंट ब्यूरोक्रेसी, दैट इज, बट दैट इज ओनली जस्ट वन फॉर्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इज देयर इन द मिलिट्री, इन द इंडस्ट्रीज, राइट, इट इज इन द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, वेयर एवर यू रिक्वायर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैन, राइट, प्रॉपर एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, जहां पे भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होंगी, दैट इज बेस्ड ऑन ब्यूरोक्रेसी, राइट, राइट। तो इसमें हम देखते हैं कि मैंस इंक्रीजिंग इन्वॉल्वमेंट इन ब्यूरोक्रेटिक रैशनल ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, मैन क्या है, इज वर्किंग, जैसे जैसे फॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है सोसाइटी का विद मॉडर्नाइजेशन, राइट, ब्यूरोक्रेटाइजेशन के साथ, मैन इज इंक्रीजिंगली वर्किंग इन दिस ब्यूरोक्रेटिक और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो दीज ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर मैन टू बिहेव इन अ रैशनल मैनर, राइट। सो मैंस एक्शन और बिहेवियर इज रैशनल in these organizations, and it is either a matter of choice or it is a matter of coercion, or this is imposed, right? Ab jaoge bureaucrat banoge to aapki certain values or professionalism hona chahiye, formality honi chahiye apne work mein, you should integrity honi chahiye, neutrality honi chahiye, आप यूनिवर्सलिस्टिक बेसिस पे, पार्सन्स बोलते हैं यूनिवर्सलिस्टिक बेसिस पे सबको जज करो, पर्टिकुलरिस्टिक बेसिस पे जज मत करो, मेरे धर्म का है, मेरी कास्ट के ना, एवरीवन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एवरीवन इज इक्वल टू यू, राइट, ठीक है। सो कोड ऑफ कंडक्ट इज देयर इन ऑर्डर टू गाइड योर बिहेवियर, सो इन दीज ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट यू कैन परफॉर्म योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड गिव दैट जस्टिफिकेशन, राइट, ठीक है। So man's behavior is getting increasingly rational due to his involvement in bureaucratic formal organizations which require rational action, right?
एंड दिस ब्यूरोक्रेसी इज पेनिट्रेटेड ऑल द स्फेयर्स ऑफ मेंस वर्क, राइट? सो ऑल द पीपल आर एंगेज्ड इन रैशनल एक्शन. सो व्हेन योर एक्शन इज रैशनल, व्हेन योर एक्शन इज बेस्ड ऑन लॉजिक, दैट इज व्हेन इट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नॉट ऑन इमोशंस, राइट? बिकॉज रिलीजन इज इमोशन, राइट? रिलीजन इज समथिंग विच इज मिथिकल, मैजिकल. वेर इन हियर यू आर टॉकिंग अबाउट कंक्रीट फैक्ट्स, डेटा, लॉजिक, रैशनैलिटी, right? In order to maximize self-interest of yourself as well the interest of the organization, say working in a particular organization. So here we can say man is getting increasingly formal. ठीक है. So that is also why the demise of religion is taking place and secularization is increasing. हमने देखा इन इंडस्ट्रीज में क्या है, कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म involves formal organization of work, specialization and standardization. राइट? तो रैशनैलिटी से लिंक्ड है, मॉडर्निटी से लिंक्ड है, कैपिटलिज्म और ब्यूरोक्रेसी से लिंक्ड है. बिकॉज ब्यूरोक्रेसी एक इंट्रिंसिक फीचर है कैपिटलिज्म की. इट इज नॉट समथिंग विच इज एंटीथेटिकल टू कैपिटलिज्म. इफ आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, देन आई एडवाइज यू टू वॉच द लेक्चर ऑफ मैक्स वेबर, राइट? सो हम देखते हैं मैन इन द मॉडर्न टाइम्स इज बिकमिंग इंक्रीजिंग रैशनल, लॉजिकल, हुज एक्शंस आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डेटा एंड लॉजिक एंड नॉट ऑन बेसिस ऑफ इमोशंस, राइट? इसी मैन इज गेटिंग मोर एंड मोर यूटिलिटेरियन, राइट? हु इज ट्राइंग टू मैक्सिमाइज हिज सेल्फ इंटरेस्ट, राइट? थ्रू केयरफुली प्लान्ड एंड डेलिबरेट रैशनल एक्शन हैविंग मीन्स एंड ओरिएंटेशन, राइट? ही इज यूटिलिटेरियन, राइट? ही इज ट्राइंग टू मैक्सिमाइज हिज सेल्फ इंटरेस्ट, राइट? ये इकोनॉमिक्स बोलते हैं. तो प्रोफेन, द स्फेयर ऑफ प्रोफेन इज एक्सपेंडिंग. और इससे हमने देखा था कि इसका एक कंसर्न था मैक्स वेबर का. मैक्स वेबर सेड कि ब्यूरोक्रेसी, इवन दो इट इज द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क, एंड द चॉइस इज आइदर बिटवीन ब्यूरोक्रेसी और डायलेटेंटिज्म, दैट इज सुपरफिशियलनेस. एंड ब्यूरोक्रेसी को आप निगलेक्ट कर ही नहीं सकते, राइट? ब्यूरोक्रेसी इज गोइंग टू ओवरटेक ओवर एवरीथिंग इन द मॉडर्न टाइम्स. दिस वॉज वेबर्स प्रोफेसी एंड दिस इज वॉज हैपनिंग, बट ही वॉज कंसर्न अबाउट ब्यूरोक्रेसी एज वेल, राइट? ही सेड ब्यूरोक्रेट्स आर who are neutral, who are apathetic, right? They have to only work on the basis of rationality and not on emotions, right? Right. So these people lack the soul, the spirit, the emotions. That is why he said iron cage of bureaucracy हमने पढ़ा था, और the specialist without spirit, right? These are specialists without emotions. So this was the first cause of secularization. We talked about rationalization, bureaucratization of society. So Brian Wilson BC ki baat mein baat kar rahe hain. Now let us try to develop and also study what are the other probable causes of the increasing secularization of society, right? So now let us continue with the various causes behind the process of secularization. Theek hai. To hum desacralization ki baat kar rahe the, right? Brian Wilson talks about desacralization, right? और उसके पीछे वो रीजन देते हैं, एंड देर इन ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई मैक्स वेबर्स आर्ग्यूमेंट्स ऑफ रैशनलाइजेशन एंड ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी, राइट? विच इज मेकिंग मैन मोर एंड मोर रैशनल, लेस इमोशनल, मोर लॉजिकल, बेस्ड ऑन रीजन, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, लेस बेस्ड ऑन वैल्यूज. ज्वैक रैशनल एक्शन इज इंक्रीजिंग, मीन्स एंड ओरिएंटेशन इज इंक्रीजिंग, यूटिलिटेरियनिज्म इज इंक्रीजिंग, राइट? Bureaucratization of society is taking place. Bureaucracy has penetrated all the spheres of man's life, right? And due to this, the increasing penetration of bureaucracy in all the spheres of man's life, what is it leading to, right? See, it is leading to man's increasingly involvement in these bureaucratic organizations kind of acts as a external constraint or coercion on him to act rationally as per the certain codes of conduct, right? So it could be on the basis of his choice as well, right? Because by engaging rational action, he's also maximizing or augmenting his own self-interest. And it also could on the basis that this is action is imposed on him, right? As a matter of code of conduct, right? An appropriate behavior that is to be manifested in these formal rational organizations, right? So the first was the process, dimension of desacralization we have already understood. The second dimension of desacralization, which
ब्रायन विल्सन वॉज टॉकिंग अबाउट, राइट। सो यहाँ पे हम बेसिकली कंटेंशन देखेंगे रिलीजन वर्सेज साइंस, राइट। सी रिलीजन वर्सेज साइंस एक टॉपिक भी है इसमें आपका अलग से, राइट। सो दिस इज द वेरी बेसिक, आई विल बी ऑल्सो बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड साइंस इन डिटेल व्हेन आई विल बी कवरिंग दैट टॉपिक, राइट। सो ब्रायन विल्सन इज सेइंग दैट साइंस इज इंक्रीजिंगली रिप्लेसिंग टू रिलीजन, राइट, बिकॉज साइंस गिव्स मोर सुपीरियर एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ, राइट। साइंस ज़्यादा सुपीरियर एक्सप्लेनेशन देता है एज कंपेयर टू रिलीजन। पहले हम देखते थे कि जो नॉलेज थी पहले, जैसे वर्ल्ड कंस्ट्रक्ट किया जाता था, वर्ल्ड ऑफ मीनिंग कंस्ट्रक्ट किया जाता था, अपना एक रिलीजियस वर्ल्ड व्यू कंस्ट्रक्ट करता था मैन वेरियस इवेंट्स को, राइट। हमने पढ़ा था थॉट सुपर नेचुरल था, रिलीजियस थिंकिंग थी, वेरियस इवेंट्स वर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, राइट। बारिश हो रही है, इंद्र देवता, प्लेग, इट इज द रैथ और एंगर ऑफ गॉड, राइट। वेर एज हेयर आर्ग्यूमेंट इज इट इज मोर सुपीरियर एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ, राइट। नाउ दिस ट्रूथ कुड बी इम्पीरिकली वेरीफाइड, इट इज टेस्टिफाइबल, इट इज वेरीफाइबल एंड इट इज पीयर रिव्यूड, राइट। आप कुछ भी साइंटिफिक और कुछ भी साइंटिफिक डिस्कवरी करते हो, राइट, या इन्वेंशन करते हो, देन दिस इज गोइंग टू बी पीयर रिव्यूड, राइट। यू विल बी राइटिंग और पब्लिशिंग ए जर्नल अबाउट इट, राइट। यू विल बी पब्लिशिंग योर जर्नल और योर साइंटिफिक डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, एंड साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड विल बी नॉट क्लोजली स्क्रूटनाइजिंग दिस डिस्कवरी, राइट। सो दे विल बी कंडक्टिंग देयर ओन रिसर्च based on your research paper, right, and they'll try to refute your theory, right, the principle of falsifiability that Karl Popper was talking about, falsification, right. So here it is a more superior explanation and understanding of truth, right. Main aapko ek example deta hu. Europe mein humne padha tha, when I was talking about dark ages, right, us time pe kya hai, bubonic plague aaya tha, right. Almost one third of the population of the Europe was wiped out. And the explanation that was given by church at that point of time, that it is the wrath or anger of God. Right? It is the punishment for man's sin and action. Right? That God is unleashing this wrath or anger towards them. ठीक है? अब उसके बाद see, Edward Jenner, he discovered a vaccine. And on the basis of this, right, this plague could be countered, right? After many centuries, right, he discovered a vaccine, right? So science is here making the man of man, making the life of man more, you could say, better, right? It is a better explanation. It is saving countless lives, making the life of man comfortable, more better, right? So whereas on the one hand the explanation was given it is the wrath and anger of God, science, what scientist did is he discovered a vaccine in order to save multiple countless lives, right, from this plague. ठीक है, ऐसे ही जब कोविड आया, right, so what was the kind of explanations that were given by various it was prevalent across the spectrum, right, this clergymen, right, Christians clergy, right, imams or maulvis in case of Islam, right, and pandits and priests, right, in case of Hinduism, they said this is the wrath of God, COVID is the wrath of God, right. So what scientists were doing, they were actually engaged in manufacturing vaccines, right, so as to save people's life. ठीक है, तो साइंस इज इंक्रीजिंगली रिप्लेसिंग रिलीजन, राइट। नाउ द कोर आर्ग्यूमेंट इज सी द डोमेन, सी यहां पे मैं ट्रिनिटी बनाने की कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू लिंक वेबर विद ड्रुकहाइम एंड वालिनोस्की, ठीक है। सी विद एक्सपेंशन ऑफ साइंस द डोमेन ऑफ प्रोफेन और एवरीडे कॉमन प्लेस यूटिलिटेरियन इज एक्सपेंडिंग। जब मैं बात कर रहा था फंक्शनल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन की, मालिनोस्की की मैंने बात की, राइट। तो मालिनोस्की ही डिफरेंशिएटेड बिटवीन द डोमेन ऑफ रिलीजन एंड द डोमेन ऑफ साइंस, राइट। द डोमेन ऑफ रिलीजन इज द डोमेन ऑफ सेक्रेड, द डोमेन ऑफ साइंस और नॉलेज और स्किल्स और टेक्नोलॉजी इट इज द डोमेन ऑफ प्रोफेन, राइट। सेक्रेड वाई,
वाई मैन वर्शिप गॉड ही सैड इट इज द डोमेन ऑफ द सेक्रेड इट इज द डोमेन ऑफ द अननोन इट इज द डोमेन ऑफ अनप्रिडिक्टेबल इट इज डोमेन ऑफ अनसर्टेनिटी जिस चीज को आप प्रिडिक्ट ना करो जो मैन के कंट्रोल में नहीं है मैन के नॉलेज के बाहर है राइट विच इज डेंजरस टू मैन एंड दिस इज गोइंग टू कॉज लॉट ऑफ एंजाइटी कंफ्यूजन एंड स्ट्रेस इन मैन तो यहां पर क्या होगा मैन विल बी क्रिएटिंग मैजिक मैन विल बी क्रिएटिंग मैजिकल स्पेल्स राइट मैन विल बी क्रिएटिंग गॉड इन ऑर्डर टू डील विद दिस अनसर्टेनिटीज बिकॉज ओनली बाय वर्शिपिंग गॉड दिस अनसर्टेनिटीज कुड बी रिड्यूस्ड और टैकल्ड राइट और जब मालिनोस की बात करते हैं जब प्रोफेन की बात आती है साइंस की बात आती है जिस पे कंट्रोल है मैन का तो वहां पे क्या है मैन इज नॉट रिमेंबरिंग गॉड इज नॉट क्रिएटिंग मैजिक इज नॉट एंगेजिंग इन मैजिक हमने देखा था कि जब ट्रोबरियन आइलैंडर्स दे वर फिशिंग इन द लगून वाटर्स द काम स्टेबल वाटर्स राइट इन द शैलो सीज व्हेन दे वर फिशिंग व्हेन देयर वाज नो रिस्क ऑफ लाइफ इन्वॉल्वड राइट देयर वाज नो रिचुअल्स इन्वॉल्वड वेयर एज व्हेन मैन वाज गोइंग इनटू द डीप सीज बियॉन्ड द बैरियर रीफ विच वॉज द डोमेन ऑफ अनसर्टेन स्टॉर्मी सीज कुड टेक द लाइफ ऑफ मैन इंडेंजर द लाइफ ऑफ मैन Right, fish catch was not certain, so that was the domain of uncertain. It was the domain of and what is uncertainty that creates anxiety, that creates tension between us, that creates fear between us, right? And that is why we remember God. Now the thing is, see, with the expansion of science, right, with the expansion of our scientific knowledge, we are discovering and unraveling, right, greater mysteries of the universe. Right, we are discovering more and more. So what is this leading to? This is leading to domain of profane or everyday or commonplace or utilitarian is expanding. Right, our knowledge is expanding. Whereas domain of unknown, unpredictable and uncertain is shrinking. Domain of sacred or myths or religion is shrinking. जितना हम चीजों के बारे में जानता जाएंगे उतना ही हम कम rely करेंगे God पे. Right, Malinowski. लिंक यहां से कर दो कि जैसे जैसे डोमेन ऑफ साइंस एक्सपेंड करेगा डोमेन ऑफ प्रोफेन और एवरीडे प्लेस और यूटिलिटेरियन एक्सपेंड करेगा वैसे डोमेन ऑफ सेक्रेड रिलीजन डोमेन ऑफ अननोन इंक्रीज डिक्रीज करेगा श्रिंक करेगा राइट ठीक है तो वी कैन से थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन इज इंक्रीजिंगली सुपरसीडेड बाय साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन सी यही से ही एक बड़ा ब्यूटिफुल कंसेप्ट है और ये दिस इज अ वेरी गुड वर्ड और टर्मिनोलॉजी विच आई थिंक यू शुड डेफिनेटली बी राइटिंग इन योर आंसर राइट इट इज अ वेरी गुड वर्ड राइट वेबर टॉक्स राइट इसको वेबर क्या बोलते हैं राइट दिस अनरैवलिंग ऑफ द ग्रेट मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स राइट राइट दिस श्रिंकिंग ऑफ द डोमेन ऑफ सेक्रेड राइट तो वो बोलते हैं कि ही सेज विद इमर्जेंस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज राइट we are getting with emergence of scientific knowledge right our knowledge of physical and natural world is expanding right and this is leading to what this is leading to demystification right jo mysteries thi right they were being solved right it is leading to demagification and this is what he calls disenchantment this is what he calls disenchantment हमारी नॉलेज की वजह से हमारा डिसएंचेंटमेंट हो रहा है राइट बिकॉज द मिस्ट्रीज द मिथ्स द मैजिक और द सुपरस्टिशंस दैट वर देयर राइट दे आर बीइंग कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग राइट मिस्ट्रीज आर बीइंग सॉल्वड तो हमें मैजिक की जरूरत है ही नहीं राइट मिथ्स है ही नहीं राइट मिथ्स आर कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग सो डीमिस्टिफिकेशन इज टेकिंग प्लेस राइट आवर नॉलेज इज इंक्रीजिंग वी आर कंटिन्यूअसली रेवलिंग द ग्रेट मिस्ट्रीज और ऑफ द यूनिवर्स राइट तो इसी के लिए क्या है since the domain of unknown is shrinking right so we do not need magic right see us time pe plague aaya tha there was no scientific explanation for it right to usko kya hai as a myth create kar diya gaya usko as a kind of mystery dekha gaya right it might be the wrath of god aise hi jab koi bimar padta tha right to usko kya oja jhad phuk karega why Because that is a mystery to Oja, right? Even though he was using some knowledge also, right? वो जड़ी बूटी के knowledge उसके के through ठीक करेगा लेकिन वो झाड़ फूक भी करेगा क्योंकि
there was certain kind of magification involved, right? Some spirit, evil spirit has entered this person's body and we need to get rid of this evil spirit. That is why he is ill, right? Being ill means being possessed by an evil spirit. So magic and religion or this health system was overlapping, right? So there was so many mysteries were there, right? Magification was there. People were using magic spells, right, in order to gain knowledge, in order to control these uncertainties, right, unpredictabilities. इसीलिए तो मैजिक यूज करते हैं ट्रोपियन आइलैंडर्स, रिलीजियस रिचुअल्स यूज करते हैं बिफोर गोइंग इनटू द डीप सीज. और मैंने जब बात की थी व्हेन दे वर एक्चुअली क्रॉसिंग द बैरियर रीफ, नाउ दिस पीपल हु वर सिटिंग ऑन द बोट, राइट, उनके अंदर से एक एंजाइटी आ जाती थी, राइट, जैसे वो स्टॉर्मी सीज और बैरियर रीफ क्या था, एक काइंड ऑफ मेंटल ब्लॉकेज, उसको क्रॉस करते ही दे स्टार्टेड फीलिंग एंशियस. बट देयर वाज अ सोर्सरर on the bot, right, and the sorceress was called upon in order to do magic, right, and through magic he could control these evil spirits, right, he could get rid of these evil spirits, and that kind of led to a sense of relief, right, in the fishermen or the Trobriand Islanders, right, they got happy after that, they got confident, so their anxiety it was taken care of by using magic. बारिश आ रही है, storms आ रहे हैं, right? आप सोचो अपने आप को transport करो उस time पे. These were all greatest mysteries to them people, right? Right? So through this was all magic. And through magic you could control these mysteries. Through religious rituals you could control this unknown. Most of the it was unknown, right? Men's knowledge was limited. बारिश हो रही है, storms आ रहे हैं, it is the due to the wrath and anger of God. अगर storms है, drought है, floods है, right? एंड अगर सूखा पड़ा है, रेथ एंड एंगर गॉड, देन यू नीड टू प्रोपिशिएट द इंद्र देवता इन ऑर्डर टू ब्रिंग रेन डाउन ऑन अर्थ, राइट. आप अपनी माइथोलॉजी में देखो, राइट, ऑल दीज थिंग्स आर इंटरलिंक्ड. तो वेबर इज टॉकिंग की डिसइंचेंटमेंट हो रहा है, राइट, वी आर नॉट इंचेंटेड एनी मोर, राइट, दिस मिस्ट्रीज वॉज काइंड ऑफ इंचेंटिंग टू अस, राइट, ठीक है. सो हम कह सकते हैं कि विद नॉलेज, एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, टेक्नोलॉजी, अवर फियर ऑफ अननोन इज डिक्रीजिंग, राइट. सो मेंस डिपेंडेंस ऑन रिलीजन इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ साइंस. इसी पॉइंट से रिलेटेड है थर्ड पॉइंट, राइट, एंड दिस इज नॉट रिलेटेड टू ब्रायन विल्सन पर से, राइट, पर दिस कुड बी द थर्ड पॉइंट इन योर आंसर, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सेकुलराइजेशन, राइट. हमने पढ़ चुके इसके बारे में, एनलाइटनमेंट, रेनेसा और साइंटिफिक रिवोल्यूशन विद द ऑनस, हमने पढ़ा था व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट रेनेसेंस एंड इनलाइटनमेंट, राइट. तो हमने देखा था कि इनलाइटनमेंट, सबसे पहले हमने रेनेसा देखा था, राइट. रेनेसा से पहले क्या था, चर्च क्या है, वॉज फोकसिंग, वॉज अदर वर्ल्डली, राइट, गॉड्स आर देयर इन हेवंस, एंड मैंस इंडिविजुअलिज्म, men's creativity, men's capabilities were completely ignored. With the rise of Renaissance, right, the belief in the capability of men increased. That man is capable, man is creative, man is rational. तो आप देखो उस time पे literature, right, और Michelangelo का जो David का जो वो sculpture था, right. So men's creativity, painting, sculpture, हर जगह आपको देखने को मिलेगा, इट स्टार्टेड टू इंक्रीज, राइट. मेंस कॉन्फिडेंस और बिलीफ इन हिज कैपेबिलिटीज इंक्रीज, राइट. सो फ्रॉम अदर वर्ल्डलीनेस आवर फोकस शिफ्टेड टू दिस वर्ल्ड, मैन हैड अ बिलीफ, राइट. सो दिस वाज रेनेसेंस, यू कुड राइट इट डाउन, राइट, मैन हैड अ बिलीफ, राइट. सो इट वॉज दिस वर्ल्डली, मैन कुड शेप और ऑल्टर हिज ओन डेस्टिनी, ठीक है. सो Second was, why I'm talking about man could shape or alter his own destiny, because at that point of time church was saying, you confess to us, you give charity to us, and through our blessings, right, the blessings of father, right, you will be able to attain heaven, you will be able to seek the forbearance or forgiveness of God. Second is enlightenment, right. With the enlightenment humne dekha,
जब मैन रिनेसेंस के साथ मैन का अपनी कैपेबिलिटी में फेथ जागा, राइट, अपनी क्रिएटिविटी में फेथ जागा, तो इनलाइटनमेंट जब आया, राइट, व्हेन मैन गॉट इनलाइटेंड, राइट, अवेकेंड, एंड हाउ डिड इट हैपन, राइट, बिकॉज मैन फोकस्ड ऑन अ रीजन, द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड डाउट, मैन स्टार्टेड क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, राइट, फ्रॉम सुपरस्टिशंस टू डॉग्मास एंड ब्लाइंड बिलीव्स और फेथ प्रोपोगेटेड बाय द चर्च. और हमने बात की थी डेविड ह्यूम, बेकन की बात की थी, एंड रेने डेस्कार्टेस, ही गिव्स हिज गॉड, आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, राइट. तो स्पिरिट ऑफ साइंस और साइंटिफिक थिंकिंग इवॉल्व हुआ, राइट, इसके साथ स्पिरिट ऑफ साइंस इवॉल्व होगा थ्रू रीजनिंग, व्हेन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, व्हेन यू पुट एवरीथिंग अंडर द माइक्रोस्कोप और लेंस ऑफ इंक्वायरी एंड डाउट, यू स्टार्टेड क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, यू स्टार्टेड क्वेश्चनिंग चर्च इटसेल्फ, राइट, एवरीथिंग शुड बी स्क्रूटनाइज्ड थ्रू द लेंस ऑफ रीजन, थ्रू द लेंस ऑफ लॉजिक, राइट. तो यहां से स्पिरिट ऑफ साइंस और साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हुआ. और हमने देखा था हाउ कोपरनिकस और गैलीलियो, राइट, एज अ साइंटिस्ट दे प्रपोज्ड हीलियोसेंट्रिक थियरी, राइट, एंड वेर इन दे क्वेश्चन द जियोसेंट्रिक थियरी दैट वॉज देयर इन बाइबल, विच सेड दैट अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. दे सेड नॉट, अर्थ इज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, राइट, एंड इट इज नॉट द सन विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, राइट, अदर दे प्रपोज देयर ओन हीलियोसेंट्रिक थियरी विच रिप्लेस द जियोसेंट्रिक थियरी that it is the earth which revolves around the sun. ठीक है. Then I think the greatest assault on Christianity was by Charles Darwin's theory of evolution. Christianity said that it was Adam and Eve, right? ठीक है. They were the first people to inhabit the earth, and we are all the descendants of Adam and Eve. ठीक है. आपने शायद पढ़ा भी हो, राइट, आई माइट टॉक्ड अबाउट इट अगेन, हाउ द कंसेप्ट ऑफ फॉरबिडन एप्पल एंड सिन, राइट. चार्ल्स डार्विन से नथिंग लाइक दिस, राइट, मैन हैज इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स, राइट, स्पीसीज हैज इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स. और वो बोलते भी हैं कि वी वर इनिशियली अमीबा, राइट, वी वर इनिशियली अमीबा, सिंगल सेल एनिमल्स, राइट, और उसके बाद हम मास गेन करते गए थ्रू आवर इंक्रीजिंग अडेप्टिव कैपेसिटी. हमने पढ़ा था एंड वॉज टॉकिंग अबाउट पार्सन्स स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन एंड अडेप्टिव कैपेसिटी इंक्रीज करी, एनर्जी इनपुट इंक्रीज करेगा एनवायरमेंट से, राइट, हमारा मास गेन होगा, साथ साथ हमारा स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन होगा, हमारे अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो द स्ट्रक्चर स्टार्ट्स अनफोल्डिंग इटसेल्फ, राइट, वेयर एज अमीबा वाज अ होमोजेनस मास से हमारे क्या हेट्रोजेनस डिफरेंशिएशन होगा, स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन होगा, हाथ पैर, राइट, अलग अलग हमारे ऑर्गन्स क्या इवोल्व करते हुए आएंगे, ठीक है. सो दिस इज वॉट ही सैड एंड ही चैलेंज दिस थियरी. एंड लास्टली, राइट, फोर्थ पॉइंट, आई विल बी टॉकिंग अबाउट टू मोर पॉइंट्स आई गेस इसके बाद, राइट, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, राइट, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुआ, राइट, 15th-16th सेंचुरी में, राइट, मार्टिन लूथर किंग के बारे में मैंने पढ़ा था, राइट, ही चैलेंज द मोनोपोली ऑफ कैथोलिक क्लर्जी ओवर द ट्रूथ. सी, पहले क्या होता था, गॉड्स वर्ड दैट इज बाइबल, राइट, इट वॉज इंटरप्रेटेड बाय क्लर्जी, राइट, इट वॉज रेड बाय क्लर्जी, बिकॉज उस टाइम पे क्या बाइबल वॉज इन लैटिन, राइट, जैसे संस्कृत क्या थी, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ ब्राह्मिन्स, राइट, ऐसी लैटिन वॉज द मोनोपोली ऑफ क्लर्जी और प्रीस्ट ओवर हेयर, एंड कॉमन पीपल डिड नॉट अंडरस्टूड लैटिन, राइट, सो द क्लर्जी हैड मोनोपोली ओवर गॉड्स वर्थ, गॉड्स ट्रूथ, एंड दिस नॉलेज ऑफ गॉड्स वर्ड, राइट, दैट इज द बाइबल रेड बाय द क्लर्जी वॉज सब्सिक्वेंटली, राइट, थ्रू संडे प्रेयर्स, राइट, थ्रू दिस मास गैदरिंग्स, दिस वॉज डिसेमिनेटेड अक्रॉस द पीपल, राइट, सो इट वॉज द चर्च थ्रू देयर आइडियोलॉजी इट वॉज होल्डिंग कंट्रोल ओवर द माइंड्स ऑफ पीपल, ठीक है. इसको अपोज किया मार्टिन लूथर किंग ने, राइट, एंड ही सेड, हमने कैल्विन के बारे में पढ़ा था, लुथेरियनम के बारे में पढ़ा था, राइट, तो उसमें क्या था, पोप वाज द फाइनल अथॉरिटी, कैथोलिसिज्म में पोप वाज द फाइनल अथॉरिटी और इंटरप्रेटर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, ठीक है. लेकिन प्रोटेस्टेंट्स क्या बोलते थे, दे प्रोटेस्टेंट फोकस्ड की ऑन इंडिविजुअलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ बाइबल, राइट, एवरी इंडिविजुअल थ्रू हिज ओन इंटरप्रिटेशन, राइट, थ्रू हिज ओन एनालिसिस, यूजिंग हिज ओन रीजन एंड लॉजिक, राइट, यूजिंग हिज साइंटिफिक माइंड, राइट, ही शुड स्टडी बाइबल, रीड बाइबल. इवन प्रोटेस्टेंट्स ऑल्सो बिलीव्ड इन बाइबल, राइट, प्रोटेस्टेंट्स ऑल्सो बिलीव्ड इन बाइबल,
but said we have to destroy these intermediaries, right, their monopoly of the truth, and everyone should be going for their own individualistic interpretation. This is what Bible means to him. So this is what means the private search of God, individualistic search of God, which was not dictated by the clergy, right? So focused on individualistic interpretation of Bible, right? इससे भी religion का hold decrease होगा, right? So Peter Berger बोलते ही हैं, Christianity dug its own grave because this was one of the sects of Christianity. Protestantism was one of the sect of Christianity, ठीक है? Peter Berger क्या बोल रहे थे, right? He says Protestant Reformation it undermined the plausibility structure of religion, right, and it undermined the Catholic nomos, right? ये हमने पढ़ा था plausibility of structure, right? तो जो Protestant हैं, they launched assault, right, on Catholicism, right, and this somehow led to the creation of decreasing role of religion in the life of men, right? According to Berger, right, they undermined the plausibility structure of Christianity, right? हमने plausibility structure पढ़ा था कि plausibility structure मतलब कि जब लोग उस religion को plausible समझे, believable समझे, right? और इस plausibility के पीछे का एक plausibility structure होता है, right? There is a structure which makes the plausibility or possibility of religion possible, right? That man will believe in the word of Christianity, in the word of God, right? That plausibility should be there, right? It is this is mentioned in Bible, it is plausible, it is feasible, right? So there is a possibility structure which enforces this plausibility, हमने पढ़ा, right? उसमें for example Catholic Church को question किया, clergy को question किया, right? Religious ideology को question किया, right? Everything was questioned. So plausibility structure और Catholic nomos, right, उसको undermine कर दिया, और इसी की वजह से बोलते हैं रिलीजन की सिग्निफिकेंस कहीं ना कहीं डिक्लाइन होगी, उसका जो ग्रिप था मैन के माइंड पे आइडियोलॉजी का, चर्च का, क्लर्जी का, दैट डिक्रीज, राइट, बिकॉज प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन इटसेल्फ अंडरमाइन द प्लॉजिबिलिटी स्ट्रक्चर एंड कैथलिक नॉमोस, राइट. हमने ये भी देखा था कि हाउ प्रोटेस्टेंटिज्म लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, राइट, और इससे क्या होगा. सी here your God's grace, your destiny is fixed, right? No matter whatever charity you give, right, no matter how many confessions you make, how many sins you are able to eliminate or reduce with the help of clergy by giving charities and donations, right, it does not matter, your destiny is fixed. So your success here, success started getting defined in terms of material wealth, in terms of material success, right? Money, ठीक है. तो यहां से materialism increase होगा society का, right? और जो spirituality थी वो कम हो जाएगी, right? Western materialism increase होगा, spirituality decrease होगी. और see, आपको पता है कि capitalism was organized on objective and rational lines, formal organization of work, ठीक है. और सी हमने देखा था कि प्रोटेस्टेंट इथोस, राइट, दे लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. सो कैपिटलिस्ट इथोस वर बेस्ड ऑन अंडरलाइंग प्रोटेस्टेंट इथोस, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट हैपेंड कि दिस कैपिटलिस्ट इथोस, राइट, दे गॉट रीइफाइड, राइट, उनका रीइफिकेशन हो गया, राइट, दे गॉट एक्सटर्नलाइज्ड और सेपरेटेड, दे डेवलप्ड एन आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन, राइट, ठीक है. तो कैपिटलिज्म के पीछे अंडरलाइंग प्रोटेस्टेंट इथोस है, राइट, लेकिन अब ये क्या है, लोग इस पे क्या है, दीज आर समहाउ साइडलाइंड द अंडरलाइंग प्रोटेस्टेंट इथोस, राइट. अब पीपल ड्यू टू रीइफिकेशन, ड्यू टू एक्सटर्नलाइजेशन, सेपरेशन, राइट, एंड एलियनेशन ऑफ कैपिटलिज्म फ्रॉम दिस अंडरलाइंग प्रोसेस ऑफ प्रोटेस्टेंट इथोस, व्हाट इट लेड टू इज, इसकी वजह से क्या है, हम बोल सकते हैं कि कैपिटलिज्म अपने आप में ही एक सिस्टम बन गया ड्यू टू दिस रीइफिकेशन, right? Everyone could be a capitalist, right, provided they follow the capitalist ethos, which are actually Protestant ethos, right, but people do not connect it with Protestantism anymore, right. It was Max Weber who came and who showed that there is a connection between Protestantism and capitalist ethos, right. It is not a separate system, rather iska reification ho ke separate lag raha hai, right, external lag raha hai, theek hai.
सो ऑब्जेक्टिफिकेशन रैशनलाइजेशन की वजह से भी क्या है, हमारा रैशनलाइजेशन बढ़ रहा है, ऑब्जेक्टिविटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा मटेरियलिज्म बढ़ रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्रिश्चियन वैल्यूज, राइट, स्पेशली ट्रेडिशनल क्रिश्चियन वैल्यूज, दे आर डिक्रीजिंग. सो द रोल ऑफ रिलीजन इज डिक्रीजिंग, राइट. सी, अब हम फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, विच इज द कॉज ऑफ सेकुलराइजेशन. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फंक्शनल ऑल्टरनेटिव्स टू रिलीजन, राइट. In the contemporary times, with the rise and expansion of Marxism and communism, right, religion is replaced by communism, right. So, agar this is Brian Wilson, here is taking this cue from R.K. Merton, right. R.K. Merton, jab hum deal kar rahe the, I was talking about द क्रिटिसिज्म ऑफ पोस्टुलेट्स ऑफ क्लासिकल फंक्शनलिज्म, राइट. वहाँ पर हमने बात की कि रिलीजन जिसके बारे में बात करते हैं फंक्शनलिज, दैट इट इज़ यूनिवर्सल, इट इज़ प्रेजेंट अक्रॉस ऑल सोसाइटी, राइट. सो इट मस्ट बी फंक्शनल, इट इज़ एब्सोल्यूटली नेसेसरी, ठीक है. लेकिन मर्टन उसको क्रिटिसाइज करते हैं, राइट. सी, इन द कंटेम्पररी टाइम्स मार्क्सिस्ट आर्ग्यू, राइट, द कमिटमेंट टू कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, राइट, इट विल लीड टू वेरियस बेनिफिट्स फॉर एन इंडिविजुअल, राइट. इट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्लासलेस इगैलिटेरियन एंड जस्ट वर्ल्ड, ठीक है, राइट. सो कम्युनिज्म कुड बी अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव टू द रिलीजियस आइडियोलॉजी, वेर एज रिलीजन बोलते इट इज द ओपियम ऑफ द मासेस, इट प्रोलॉन्ग्स वंस पेन्स एंड सफरिंग, इट डज नॉट ऑफर एनी प्रैक्टिकल सोल्यूशंस, राइट, रादर जस्ट इट जस्ट मेक्स द प्रेजेंट सिचुएशन बियरेबल, राइट. सो कम्युनिज्म, राइट, इट इज अ मच बेटर ऑल्टरनेटिव, इट इज अ मच बेटर आइडियोलॉजी कंपेयर टू रिलीजन, राइट. सो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स बिहाइंड सेकुलराइजेशन, ठीक है, बिकॉज इट विल लीड टू क्लासलेस इगैलिटेरियन एंड जस्ट वर्ल्ड, राइट. सो मार्क्सिज्म बिलीव्स इन एथिज्म, राइट, नो गॉड, बिकॉज गॉड इज द क्रिएशन ऑफ द बुर्जुआ, द रूलिंग क्लास, राइट, ठीक है. तो दिस इज द मार्क्सिस्ट कंसेप्शन ऑफ सेकुलरिज्म. अब यहां पे हम तीन कंसेप्ट देखेंगे सेकुलरिज्म को. सेकुलरिज्म फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मार्क्स, राइट, दैट इज मार्क्सिस्ट सेकुलरिज्म. वन इज फ्रॉम द वेस्टर्न कंसेप्शन ऑफ सेकुलरिज्म और लिबरल सेकुलरिज्म, एंड वन इज द इंडियन कंसेप्शन ऑफ सेकुलरिज्म, राइट, ठीक है. तो मार्क्सिज सेकुलरिज्म मीन्स कंप्लीट अबॉलिशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम ऑल स्फेयर ऑफ मेंस लाइफ, राइट, इंक्लूडिंग प्राइवेट अफेयर. रिलीजन शुड नॉट इन बी परमिटेड इवन विद इन द प्राइवेट डोमेन्स ऑफ अ मेंस हाउस, राइट. विद इन होम इवन रिलीजियस वर्शिप वुड नॉट बी परमिटेड. So, religion would not just be a public affair, it would not also be a private affair. You could not even worship God privately, right? Because it is a drug, it is an opium, right? So, it has no place in communist societies. Theek hai? So, the communist societies, right, jaise Russian Revolution hui, aur baki jo communist countries aayi, right, like Cuba, they declared, right, especially in 1950s or 60s, जहाँ पर कोल्ड वॉर चल रही थी कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में, एंटायर वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इन टू दीज टू फ्रंट्स और दीज टू पोल्स. वहाँ पर क्या है, जो कम्युनिस्ट है उन्होंने इलीगल कर दिया था, राइट, हैविंग द प्रेजेंस ऑफ आइडल्स इन होम्स, राइट, यू कैन नॉट कीप एनी आइडल्स, यू कैन नॉट पोजेस एनी रिलीजियस लिटरेचर, चर्च वॉज अबॉलिश, राइट. सो दिस वॉज द मार्क्सिस्ट कंसेप्शन ऑफ सेकुलरिज्म और आइडियोलॉजी, राइट, विच एंड राइट. अभी हम देखेंगे सेकुलरिज्म और सेकुलराइजेशन में क्या डिफरेंस है. फर्स्ट आई हैव टू टॉक अबाउट द लास्ट कॉज ऑफ सेकुलराइजेशन इज डिसइंगेजमेंट, राइट. ब्रायन विल्सन टू डीज की बात करते हैं, वन इज डिसेक्रलाइजेशन, सेकेंड इज डिसइंगेजमेंट, राइट. तो ये दोनों आपको आंसर में लिखना पड़ेगा, राइट. सी दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, disengagement, right, it means not non-involvement, right. That religion earlier was pervasive, right, it was influencing all the aspect of man's life, social, political and economic, right. अब वो बोलते हैं, with अभी हमने ये देखने को मिल रहा है कि religious
इज आइदर अ प्राइवेट अफेयर और रिलीजन इज जस्ट लिमिटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस फंक्शंस ओनली, राइट. इट इज नॉट शेपिंग मेन्स सोशल कल्चरल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, राइट. इट इज ओनली परफॉर्मिंग प्योर रिलीजियस फंक्शंस, राइट. सो रिलीजन का क्या है, रिट्रीट कर रहा है. रिलीजन क्या है, विड्रॉ कर रहा है. ठीक है, अपने आपको रिट्रीटल और विड्रॉल ऑफ रिलीजन टू इट्स कोर पार्ट इज टेकिंग प्लेस, राइट. सो दिस वॉज वन एस्पेक्ट. ठीक है, हम देखेंगे जैसे पॉलिटिकल में कैसे हो रहा है, राइट. सबसे पहले हम देखते हैं कि राइज ऑफ अ सेकुलर स्टेट, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, थॉमस हॉब्स बात करते हैं, विच इज बेस्ड ऑन पॉपुलर सॉवरेनिटी, विच इज बेस्ड ऑन जनरल विल ऑफ द पीपल, राइट. इट इज नॉट बेस्ड ऑन गॉड्स विल, इट इज बेस्ड ऑन पॉपुलर सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. इट इज नॉट सेटअप बाय गॉड एंड रूल्ड बाय द गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव, राइट. अदर इट इज ऑर्गेनाइज ऑन फॉर्मल लीगल रैशनल एंड सेकुलर प्रिंसिपल्स, राइट. And state cannot discriminate between citizens on the basis of religion, right? Here the principles of natural justice are followed, right? So modern states are secular states which are organized on basis of legal, rational, secular principles, principles of natural justice, right? Separation of church from state and separation of religion from politics, right? This is definitely prevalent in Western Europe and America, which talks about the Western concept of secularism, complete separation of church from state. ठीक है, पहले चर्च का बहुत इन्फ्लुएंस था, हमने पढ़ी, राइट. अर्लियर थियोक्रेटिक स्टेट्स थी, मोनार्क क्या था, डिवाइन राइट ऑफ द किंग थियरी, राइट. इट वॉज द डिवाइन राइट ऑफ द किंग टू रूल बिकॉज ही इज इंप्लीमेंटिंग गॉड्स विल ऑन अर्थ, राइट. ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ, राइट. देयरफॉर जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी अनक्वेश्चनेबल फेथ और अनक्वेश्चनेबल अलीजेंस होना चाहिए इन द मोनार्क बिकॉज ही इज अल्टीमेटली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड. अगर वो उसको क्वेश्चन कर रहे हैं मोनार्क को, तो अल्टीमेटली दे विल बी चैलेंजिंग द गॉड, राइट. सो देर इज हाउ दे आर डिराइविंग लेजिस्टिमेसी फॉर देयर रूल, राइट. सो यहां पे पावर क्या होगा, अथॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, पावर वॉन्ट बी कोअर्शन, राइट. Power will be on the basis of voluntariness of the individuals, right? That is why they are gaining legitimacy for their rule. हमने देखा था कि अशोक called himself Devnam Piya Piya Dasi, the dear to the gods. Akbar called himself the shadow god, right? And Chinese emperors called themselves we are the sons of heaven, right? As the Chola rulers also declared themselves as the representatives or sons of god, right? And Guptas also, right? ठीक है, ठीक है. तो अर्लियर थियोक्रेटिक स्टेट्स थी, रिलीजियस मोरालिटी, रिलीजियस लॉज, रिलीजियस रूल्स गवर्न करते थे कि स्टेट के लॉज कैसे होने चाहिए, राइट. अभी ऐसा नहीं है, ठीक है. साथ के साथ हमें देखने को मिलता था कि पहले क्या है, चर्च इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को भी, रिलीजन और चर्च पॉलिटिकल सोशल कल्चरल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को भी क्या है, कंट्रोल करके रहता है. अब यहाँ से भी चर्च का क्या डिसइंगेजमेंट हो गया फ्रॉम द इकोनॉमिक स्फीयर ऑल्सो, चर्च का यहाँ से भी रिट्रीट और विड्रोहल हो गया है, राइट. रिट्रीट एंड विड्रोहल ऑफ चर्च फ्रॉम दीज एस्पेक्ट्स ऑल्सो, राइट. तो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, बेस्ड ऑन ब्यूरोक्रेसी, राइट. बेस्ड ऑन मेंस रैशनल एक्शन, इट इज यूटिलिटेरियन इन नेचर, राइट. प्रोटेस्टेंट क्रिटिक्स एंड कैपिटलिज्म पढ़ चुके हैं. एंड सोशल कल्चरल एस्पेक्ट्स में पहले क्या था, रिलीजन वॉज कंट्रोलिंग मेन्स थिंकिंग, मेन्स माइंड, राइट. मेन्स एक्टिविटीज, राइट. आर्ट एंड आर्किटेक्चर वॉज कंट्रोल्ड, इट वॉज बेस्ड ऑन रिलीजियस थीम्स, राइट. हमने देखा टेम्पल में टेम्पल आर्किटेक्चर और चर्च आर्किटेक्चर, लिटरेचर भी रिलीजियस थीम्स पे थे, महाभारत रामायण, एंड हमने चर्च के टाइम्स में बात की रिलीजियस थीम्स पे होती थी और सेंसरशिप बहुत ज़्यादा थी. इफ इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द गॉस्पल, राइट, विच इज इंटरप्रेटेड इन लैंग्वेज ऑफ पॉप और क्लर्जी, राइट, तो वहां पे काफी कोरिजन और सेंशन देखने को मिलते थे, राइट. एजुकेशन वॉज कंट्रोल्ड बाई चर्च. सी द राइज ऑफ यूनिवर्सिटीज इन यूरोप, उसके पीछे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन चर्च का ही था. ये यूनिवर्सिटीज को सबसे पहले दे वर पेट्रोनाइज बाई द चर्च. और वो ऐसा क्यों कर रहे थे, बिकॉज दे बिलीव्ड कि दे सपोर्टेड साइंस. वाई डिड दे सपोर्ट साइंस, बिकॉज दे हैड डीप बिलीफ इन द
गॉस्पल ऑफ गॉड, राइट, कि बाइबल अल्टीमेटली ट्रू होगी, राइट. तो वो उनको लगा कि अगर वी फील सपोर्ट दिस रिलीजियस नॉलेज विद साइंटिफिक बैकिंग, तो हमारा और राइज होगा क्रिश्चियनिटी का. अल्टीमेटली दिस साइंस स्टार्टेड क्वेश्चनिंग टू बाइबल और चर्च अथॉरिटी, टू बी मोर प्रिसाइज, राइट. बाइबल कुड बी इंटरप्रिटेड इन मल्टीपल वेज, ठीक है. तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है. एजुकेशन वॉज कंट्रोल्ड बाई चर्च अर्लियर ऑन, राइट. लेकिन अब एजुकेशन इज सेकुलर साइंटिफिक, राइट. अगर आप देखो भी कंसेप्ट जो मॉडर्न डिबेट है, राइट, मदरसाज, राइट, इंडिया में ये डिबेट चल रही है कि मदरसाज में सेकुलर साइंटिफिक एजुकेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मैथ्स और साइंस का डोमिनेंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, राइट. शुड एजुकेशन बी कंट्रोल्ड बाई रिलीजन देयर, राइट. तो पहले यूरोप में चर्च कंट्रोल करता था, राइट. अभी एजुकेशन इज मोर सेकुलर एंड मोर साइंटिफिक इन नेचर, राइट. इट इज यूटिलिटेरियन नेचर. आप अपनी एजुकेशन पाके क्या है, कैसे अपनी लाइफ और को शेप कर सकते हो, करियर को शेप करते हो. इट इज मोर यूटिलिटेरियन सेकुलर एंड साइंटिफिक नेचर, राइट. इट इज नॉट बेस्ड ऑन रिलीजियस थीम्स, राइट. और इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय चर्च, सो एज टू से, ठीक है. देन हेल्थ भी इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन रैशनल प्रोग्रेसिव एंड साइंटिफिक लाइन्स, ठीक है. डॉक्टर आर मोर रैशनल प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक पीपल. पहले क्या था, मैजिक और मेडिसिन वॉज मिक्सड एंड चर्च वॉज कंट्रोलिंग हेल्थ ऑल्सो, राइट. एक तो चर्च कंट्रोल कर रहा था हेल्थ को, राइट. चर्च वॉज कंट्रोलिंग सोशल स्फीयर ऑल्सो, सोशल वेलफेयर ऑल्सो. नाउ सोशल वेलफेयर इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, सो दैट रोल हैज ऑल्सो बीन टेकन अवे फ्रॉम द चर्च, राइट. तो द रोल ऑफ रिलीजन इज रिसीडिंग, राइट. चर्च का क्या है, इन्फ्लुएंस, पावर, होल्ड, राइट, इंपैक्ट, ये सब डिक्रीज कर रहा है. सो दिस इज चर्च रिट्रीट, विड्रॉवल, डिसएंगेजमेंट फ्रॉम पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, राइट. रिलीजन शुड ऑल्सो फोकस ऑन, ओनली फोकस ऑन रिलीजियस एक्टिविटीज, राइट. सो ये है. सी व्हाट इज सेक्युलरिज्म, सी मैंने बोला इज्म जहां भी आ जाती है, इट इज अ काइंड ऑफ आइडियोलॉजी. सेक्युलरिज्म इज एन आइडियोलॉजी विच प्रमोट्स और एडवोकेट्स सेक्युलराइजेशन, डिक्रीजिंग रोल ऑफ रिलीजन, राइट. तो सेक्युलरिज्म और सेक्युलराइजेशन में यही डिफरेंस, इट इज अ प्रोसेस सेक्युलराइजेशन. सेक्युलरिज्म इज एन आइडियोलॉजी, राइट, विच एडवोकेट्स सेक्युलराइजेशन और डिक्रीजिंग रोल ऑफ रिलीजन, राइट. तो अगर आपने यहां पर देखा हो वेस्टर्न कंसेप्शन ऑफ सेक्युलरिज्म, राइट, withdrawal of religion from all spheres of life and it only being a private affair, right, or only doing the core religious functions, right. So this secularism as an ideology promoting the process of secularization, right. So see, secularization is a process, uska outcome secularism ho sakta hai, right. State aisi ban jaye jo ideology focus kare, celebrate kare, right, glorify kare, idealism ko promote kare, perpetuate kare. अगर आपको पता हो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या लिखा हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेंपर, राइट. सो दिस इज हाउ सेक्युलरिज्म इज प्रमोटेड, राइट, बाय द स्टेट इन पीपल. पीपल शुड बी मोर साइंटिफिक, साइंटिफिक टेंपर होना चाहिए. तो अल्टीमेटली सी सेक्युलराइजेशन का जो प्रोसेस है उसके पीछे बहुत सारे इंपैक्ट था, इनलाइटनमेंट, रिनेसा, डिसएंगेजमेंट ऑफ रिलीजन, डिसक्रलाइजेशन, रैशनलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन, ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, राइट, साइंटिफिक डिस्कवरी, रिलीजन वर्सेज साइंस डिबेट. ऑल दिस प्रोसेस इज कंट्रीब्यूटेड टू द प्रोसेस ऑफ सेक्युलराइजेशन इन वेस्टर्न यूरोप. हम यूरोप की बात कर रहे हैं. अभी हम इसका काउंटर एविडेंसेज और इसको क्रिटिसाइज करेंगे, सेक्युलराइजेशन थीसिस को, और इसका काउंटर पर्सपेक्टिव देखेंगे, राइट. तो सेक्युलराइजेशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेक्युलरिज्म, राइट, एज एन आइडियोलॉजी प्रमोटेड बाय द स्टेट. नाउ दिस स्टेट इज परस्यूइंग सेक्युलरिज्म, दैट इज इट इज प्रमोटिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्युलराइजेशन, राइट. तो इंडिया में सेक्युलरिज्म कैसा है, राइट. इंडियन कंसेप्शन ऑफ सेक्युलरिज्म यूनिक. इट मीन्स द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन. इट स्टेट विल डू इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन. अगर स्टेट हज सब्सिडी देता है तो स्टेट अमरनाथ यात्रा भी कंडक्ट करवाएगा, राइट, ठीक है.
स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, राइट. म्यूचुअल टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट प्रमोट करना, हार्मनी डेवलप करना बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स, और रिलीजियस प्लूरलिज्म को प्रमोट करना, राइट. मल्टीपल रिलीजन्स और रिलीजियस प्लूरलिज्म, दे कैन बी टूगेदर, राइट, इन हार्मनी, म्यूचुअली रिस्पेक्ट ईच अदर, राइट. दिस इज द टिपिकल इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म. तो यहाँ पे सर स्टेट कंप्लीटली विड्रॉ नहीं कर रही, सेपरेट और डीलिंक नहीं कर रही रिलीजन से, रादर इट इज प्रमोटिंग, राइट, इक्वली प्रमोटिंग ऑल द रिलीजन्स. ऐसा नहीं है स्टेट आज सब्सिडी, वहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा कि स्टेट आज सब्सिडी करवाएगी या अमरनाथ यात्रा करवाएगी. कंप्लीटली डीलिंग फ्रॉम रिलीजन, वेयर एज इसमें इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द रिलीजन्स, राइट, नेविगेटिंग ऑल द रिलीजन्स वेल, इक्वल प्रमोशन ऑफ ऑल द रिलीजन्स, नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वन्स रिलीजियस आइडेंटिटी, राइट, डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर ऑल्सो, राइट. इट डज नॉट मीन दैट वन शुड बी कंप्लीटली, इट मीन्स साइंटिफिक टेम्पर ऑल्सो, राइट. तो यहाँ पे ज्यादा डायनेमिक कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म देखने को मिले, और हम सेकुलरिज्म को डिटेल में पढ़ेंगे पेपर टू में, राइट. इंडियन सेकुलरिज्म की बात करेंगे, वहां पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, राइट. सर्वधर्म संभव, तो सेकुलरिज्म और सेकुलराइजेशन से कोई क्वेश्चन आता है अगर पेपर वन में, तो आप ये सारे पॉइंट्स उठा सकते हो, बिकॉज सेकुलरिज्म इज एन आइडियोलॉजी विच इज प्रमोटिंग सेकुलराइजेशन, राइट. तो यहां से आप ये सारे पॉइंट्स को उठाना आपको, ठीक है, ओके. तो सी, सेकुलराइजेशन के दो मेन थिंकर्स कौन है, ब्रायन विल्सन वाज टॉकिंग अबाउट डीसेक्रलाइजेशन, एंड यू कुड टॉक अबाउट थ्री डीज, डीसेक्रलाइजेशन, डिसएंगेजमेंट, राइट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसएंगेजमेंट और रिट्रीट ऑफ रिलीजन, एंड थर्ड इज डिसएंचेंटमेंट, राइट, विच वॉज बेसिकली द कंसेप्ट, राइट. तो थ्री डीज आप इसमें कर सकते हो, डिसएंगेजमेंट, डिसएक्रलाइजेशन एंड डिसएंचेंटमेंट, राइट. सेकेंड वॉज पीटर बर्जर बेसिकली टॉक्ड अबाउट प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, हाउ क्रिश्चियनिटी सो इट्स डग इट्स ऑन ग्रेव, राइट, ठीक है. हाउ क्रिश्चियनिटी कंट्रीब्यूटेड टू इट्स ऑन डिमाइज, वन ऑफ द सेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, ठीक है. सी, प्रोटेस्टेंटिज्म आपको देखने को मिलेगा कि लेट 19th सेंचुरी में क्या है, और अर्ली 20th सेंचुरी में फंडामेंटलिज्म का राइज होगा, और ये फंडामेंटलिज्म का राज प्रोटेस्टेंट्स के अमंगस्ट होगा यूएस में, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट. तो जो प्रोटेस्टेंट्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ सेकुलराइजेशन ऑफ सोसाइटी, राइट, ऑब्जेक्टिफिकेशन, राइज ऑफ कैपिटलिज्म, इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ गॉड, गेटिंग रिड ऑल द इविल्स ऑफ कैथोलिसिज्म, राइट. दे इन टर्न, बिकॉज ड्यू टू एक्सेसिव सेकुलराइजेशन, एक्सेसिव इम्पैक्ट ऑफ साइंस, रिलीजन वॉज लूजिंग इट्स सिग्निफिकेंस, चर्च was declining, they started reasserting the religion, right, against the forces of modernity. वहां पर हमें religious fundamentalism देखने को मिलेगा, right. तो Peter Berger, who says plausibility of structure of religion is declining due to secularization, nomos, Christian nomos are decreasing, right, due to secular worldview, आप ये सब लिख सकते हो, ठीक है. Then इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ गॉड, ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है. सो दीज आर टू मेन थिंकर्स रिलेटेड टू सेकुलराइजेशन थीसिस. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द लास्ट पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू वन ऑफ द लास्ट कॉजेज, राइट. राइट, इसमें मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं. हम बात करेंगे पीटर बर्जर थियरी और हिज थीसिस ऑफ सेकुलराइजेशन, राइट. पीटर बर्जर ने अपनी बुक लिखी थी द सेक्रेड कैनपी, राइट. यू कुड राइट डाउन द बुक नेम, राइट. Wherein he was talking about secularization in the context of especially the Western societies, right, under the impact of modernity. He says world is getting more and more secularized. The significance, impact, and influence of religion, right, it is decreasing in men's day-to-day interactions, in men's day-to-day life. Now. उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स, राइट. सी, पीटर बर्जर बोलते हैं फर्स्ट इज राइज ऑफ साइंस, राइट. साइंस क्या है, इट इज अ मोर, ही सेज इट इज अ मोर सुपीरियर एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रूथ, मोर सुपीरियर एक्सप्लेनेशन ऑफ रियलिटी. तो ड्यू टू दिस मैन स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग, राइट, द वर्ल्ड व्यू दैट ही हैज क्रिएटेड, राइट, द नोमोस दैट ही हैज क्रिएटेड, राइट. बिकॉज हमने देखा था कि उसका अंडरलाइंग बिलीफ ही नोमोस में क्या है, वो शेकी ग्राउंड्स पे है,
राइट, द रियलिटी दैट इज कंस्ट्रक्टेड, राइट, दैट इज स्ट्रेंथन्ड एंड कंक्रीटाइज्ड बाय रिलीजन. बट रिलीजन के प्लॉजिबिलिटी स्ट्रक्चर्स और सोशल बेस और प्लॉजिबिलिटी स्ट्रक्चर ऑफ रिलीजन इज अंडरमाइंड इन मॉडर्न सोसाइटीज. एंड वन ऑफ द रीजन इज व्हेन पर्सन, राइट, ही इज एक्सपोज्ड टू साइंस, मोर सुपीरियर एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ, व्हेन ही नोज that it is not the Indra Devta which is bringing rain to earth, right? Rather, it is a process of condensation, evaporation and precipitation, right? So, he's getting, so his belief in his own nomos, that is decreasing. ठीक है? Plus, religious pluralism, right? See, multiple religions in modern societies, they are coexisting with each other, right? Earlier men, for example, in case of medieval Europe, right? Men in case of medieval Europe, right? Medieval Europe, वहाँ पे, right? Single religion था, Catholicism. तो man was not in contact, man was not in contact with alternate nomos. So he did not had an understanding of alternative explanations, right? Now multiple religions are coexisting, they are coming in contact with each other, right? Continuous interaction is taking place between them. And when man is exposed to the alternate nemos, alternative world of meaning, right, the alternative explanations, he might start questioning his own nomos, right? Isliye religious conversion aapko dekhne ko milta, right? Especially see yahan pe medieval Europe mein jab humne bola कैथोलिसिज्म ही प्रेवलेंट था, वही सारे एज ए सेक्रेड कैनपी सारी चीजों को शेप कर रहा था मैन की लाइफ को, राइट. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मोनिज्म, राइट, जहां पे आपका नोमोस और कॉस्मोस इंटीग्रेट कर गया है, राइट. सिंगल नोमोस है दैट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कॉस्मोस, राइट. सो ऑल द रियलिटी इज यू हैव इंटीग्रेटेड, दैट इज मोनिज्म, राइट. सोशोलॉजी में हम देखेंगे, राइट, लास्ट लेक्चर में मोनिज्म, सेक्ट्स, प्लूरलिज्म, इन सब चीज़ों के बारे में, कल्ट्स के बारे में, ठीक है. ऐसे ही आप सिंपल प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की बात करो, आर्किक सोसाइटीज़ की बात करो, मैकेनिकल सोलिडैरिटी, वहाँ पे मोनिज्म होगा, राइट. सिंगल रिलीजन विल बी प्रेवलेंट, वही सेक्रेड कैनोपी पूरा एग्जिस्ट करेगा. ऑल्टरनेट निमोज ही नहीं होगा, मैन इज नॉट एक्सपोज टू ऑल्टरनेट मिनोज, राइट. बट इन रिलीजियस प्लूरलिज्म, राइट, प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज, मैन इज एक्सपोज टू मल्टीपल निमोज, देन ही माइट स्टार्ट क्वेश्चनिंग हिज ओन ट्रूथ. और आज के टाइम पे तो इतना फ्रेगमेंटेशन हो गया, मल्टीपल सेक्ट्स हैं, मल्टीपल कल्ट्स हैं, राइट, मल्टीपल फिलोसफीज हैं, मल्टीपल एक्सप्लेनेशन है, मल्टीपल रिलीजन्स हैं, देन मैन माइट जंप टू अल्टरनेट निमोज, राइट. तो वो बोलते हैं दिस रिलीजियस प्लूरलिज्म इज इट्स इन इटसेल्फ एन एविडेंस ऑफ सेकुलराइजेशन, राइट, द लैक ऑफ मोनिज्म एंड रिलीजियस प्लूरलिज्म प्लस प्रोलिफरेशन ऑफ नॉलेज हो रही है, राइट. ही सेज द वर्ल्ड इज गेटिंग ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड माइग्रेशन एंड interconnectivity of the world, right, man is coming in contact with alternate nemos, alternative explanations, right. So this proliferation or bombardment of knowledge, man has started questioning his own belief, right. So it is undermining man's belief in his nomos, his understanding of the truth, right, science more superior explanation, and that is in turn undermining the plausible structure, plausibility structure or social base of religion, right. So this is an evidence of secularization that Peter Berger was talking about. I hope you are able to understand this. See, in next lecture, we'll be discussing the counter evidences, religious revivalism and religious fundamentalism. These three topics we'll be covering, right?